नमो निद्रागाय नमो विद्रागाय नमो अरिहंतानं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियानं नमो उपस्यानं नमो उपस्यानं नमो लोए सब साहुनं नमो लोए सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंच नमकारो सब पाव प्रणासनो सब पाव प्रणासनो मंगलानंच सबे सिं मंगलानंच सबे सिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जगत भर के संत पुरुषों का योगबल जगत भर के सत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद विज्ञान जो हम शब्द प्रयोग करते हैं विज्ञान का शब्द प्रयोग केवल कुदरत के कानून के साथ उनका संबंध है और विज्ञान शब्द सिद्धांतों के साथ जुड़ा हुआ है और इसके अंदर हमने अध्यात्म विज्ञान जोड़ दिया तो अध्यात्म शब्द स्पिरिचुअल के साथ जुड़ा हुआ है और स्पिरिचुअल का मतलब होता है सोल और विज्ञान का मतलब होता है एलिमेंट विद प्रिंसिपल तत्व सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है वो तो स्पिरिचुअल साइंस का मतलब होता है आध्यात्म विज्ञान और आध्यात्म शब्द इसीलिए लगाया गया आध्यात्म का मतलब होता है मुक्ति की अनुभूति सनातन सुख की अनुभूति या तो शाश्वत स्वरूप की और उसके गुणों की अनुभूति इसको आध्यात्म बताया मगर वो अनुभव कब होगा कैसे होगा विद साइंस साइंस मीन्स हर प्रकार की जो अवस्थाएं दिखती है इसके पीछे राज क्या है वो जानना ताकि जो दुनिया में दिखने वाली माया की जाल है इसमें हम फंस रहे हैं अगर साइंस जानते हैं तो अगर नहीं जानते हैं तो हम फंसने वाले ही हैं तो अध्यात्म विज्ञान का जो टाइटल है वो हमारे जीवन में क्यों उदय में आया ये टाइटल किसी ने दिया नहीं है ये हमारा खुद का संजोग के अधीन ये शब्द का क्रिएशन है क्योंकि हमको विज्ञान की बात करनी थी और वो भी आध्यात्म विज्ञान की तो इसीलिए शब्द बनाया आध्यात्म विज्ञान और बात भी वही करता हूँ
टाइटल के मुताबिक ये जो बात हम करते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ इतिहास बताया, हिस्ट्री, कि आखिर ये विज्ञान कैसे, ये शब्द कहाँ से आया, ये बात कहाँ से आई। तो ये कमिंग इवेंट कार देर सेड उस बिफोर, ये अपने आप बनता चला जा रहा है, और हर शब्द हर समय जो नई नई बात होती है वो भी बर्थ नेचर है, ये किताबों की बात नहीं है। तो जैसे जैसे समझते जाओगे वो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये विज्ञान खुद ही स्वयं, उसका स्वयंभू उत्पत्ति हुई है, और वो खुद स्वयं क्रियाकारी है। जितना आपकी दृष्टि में फिट हो गया वो अपने आप काम करता रहेगा। जो फिट नहीं हुआ है, फिट का मतलब होता है नॉलेज नहीं, नॉलेज तो बौद्धिक बात है, नॉलेज के ऊपर होता है एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो बात अनुभव से सिद्ध हो गई वो आपकी दृष्टि में होगी, वो पावर के साथ होगी, पर अकेला नॉलेज होगा तो पावर नहीं होगा। तो ये जब अनुभव के साथ आपके विजन में सेट हो जाएगा तो फिर वो अपने आप काम करेगा, क्योंकि अनुभव के साथ मैच्योरिटी होती है, पावर होता है, तभी तो वैल्यू होती है, नहीं तो वैल्यू नहीं है। जो चीज की नॉलेज है और वैल्यू नहीं है इज इक्वल टू एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस है तो वैल्यू होगा ही अपने आप, इसी को तो अनुभव कहेंगे। आज हमको आत्मा का ज्ञान है, वैल्यू इतनी नहीं है, क्यों नहीं है, अनुभव नहीं है। बाकी आत्मा के बारे में नॉलेज के सब कुछ नॉलेज हमारे पास है, जो भी शास्त्रों में लिखा है, जो भी धर्म गुरुओं ने बताया, सब नॉलेज हमारे पास है। नॉलेज की कोई कमी नहीं आत्मा के बारे में, शब्दों के नॉलेज की कमी कोई नहीं है। इतने सारे दुनिया में शास्त्र भरे भरे हैं आत्मा का नॉलेज के लिए। तो प्रश्न नॉलेज का नहीं है, प्रश्न है अनुभव का। और वो अनुभव, अभी एक बहन ने मेरे को प्रश्न किया कि भाई इतने सारे ऑप्शन है, ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें रियल अमृत है और बाकी सब फेक है, तो फिर जो अमृत का अनुभव नहीं होगा तो ये इतने सारे जगह घूमने की क्या जरूरत है, एक बार अमृत का अनुभव करा दो ना। ये एक लॉजिक होता है प्रश्न करने का, कितने सारे फेक टेस्ट है तो एक बार अमृत का अनुभव करा दो तो फिर फैक्ट जो 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 रिलेटिव सत्य है उसमें हम जाएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा उसके वैल्यू तब समझ में आएगी जब ये फैक की वैल्यू समझ में आएगी, जब आपको इस दुनिया में बंधन का अनुभव ही नहीं है तो मुक्ति का अनुभव संभव ही नहीं है। जब ये देहाद्यास देहाद्यास की वैल्यू आपकी दृष्टि में है वहां तक आत्मा का अभ्यास संभव ही नहीं है। नॉलेज के रूप में हो सकता है, बिलीव के रूप में हो सकता है, अनुभव के रूप में पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया उसको समझाने के लिए, भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है, पर आई स्टार्ट फ्रॉम केजिंग, यस और नो? तो बोला मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह दो ना, केजी से क्या मतलब है। बट यू हैव टू पास थ्रू फॉर एक्सपीरियंस एंड फॉर मैच्योरिटी। ये प्रोसेस होती है, क्या होती है, सीधी किताब दे देंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, हालांकि आपको बाद में वही पढ़ना है, मगर अभी देने से कोई फायदा, आपकी मैच्योरिटी नहीं है, क्या नहीं है, वो डाइजेस्ट करने की समय नहीं। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि जहां तक ये संसार के अंदर हर चीज के अंदर पाने की जो इच्छा है और पाने के पीछे सुख की अभिलाषा है, सुख की अपेक्षा है, वो जहां तक आपके विजन में से खत्म नहीं होगी वहां तक आत्मा का अनुभव क्या है, आत्मा की आत्मा का सुख का अनुभव क्या है, वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप इनसे ही कंपेयर करोगे, ये ऐसा सुख है
तो फिर ऐसा सुख क्यों नहीं होता है? मगर रिलेटिव सुख जैसा आत्मा में सुख नहीं है। ये सभी प्रकार के सुख बंधन है, ये सभी प्रकार के सुख अवलंबित है, ये सभी प्रकार के सुख हमारे कॉज और पुण्य के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी इतना सारा करने के बाद टेम्पररी है, वो भी हमारी बिलीफ के ऊपर आधारित है। आज जो चीज पसंद है वो ही चीज कल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि बिलीफ चेंज हो गए। तो आखिर ये सब जो फैग है वो आपको पहले समझ में आएगा, फिर मालूम होगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है। इसमें इसका अनुभव कहेगा कि इस प्रकार की हैप्पीनेस तो नहीं होगी आत्मा में। मगर ये नहीं होगा तो फिर आप क्या कहेंगे, आत्मा तो ऐसा है ऐसा है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। तो ये जिस प्रकार के रिलेटिव सत्य का जो अनुभव है, वो अनुभव इसको आप माइनस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, तब मालूम होगा कि यहां कोई भी प्रकार का सुख है ही नहीं, दुख भी नहीं है, सिर्फ क्या है, बंधन, बॉन्डेजेस। तो ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान कहते हैं कि सबसे पहला आत्मा का अनुभव क्या है, तो कि सबसे पहला आत्मा का अनुभव है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति, वो पहली मुक्ति है। और दूसरी मुक्ति है, अत्यंत मुक्ति है, वो तो उदय कर्म के अधीन है, मगर पहली मुक्ति बॉडी के साथ होनी चाहिए। फिर बॉडी जाने के बाद मिलेगी, मगर यहां अनुभव भी नहीं हो तो मतलब ही क्या रहा, फिर किसने देखा? तो बॉडी के साथ ही मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, तभी इसको कहते हैं रियलाइजेशन। मरने के बाद कौन रियलाइज करेगा, आप समझे ना? तो पहला अनुभव है फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉडी। अगर हमारे जीवन में अज्ञान निकल गया तो पहले तो मुक्ति का अनुभव हो गया। किस कौन सी मुक्ति? बंधनों से मुक्ति। अज्ञान निकल गया, इसको कहते हैं केवल दर्शन। क्या बोलते हैं? तो केवल दर्शन हुआ यानी अज्ञान तो निकल गया, और अज्ञान निकल गया तो बंधन का अनुभव भी नहीं रहा, क्योंकि बंधन का अनुभव भी किसके साथ था? अज्ञान के साथ। सफरिंग और बंधन दोनों अलग, बंधन वो बिलीफ है, सफरिंग तो कंपलसरी है, मगर वो सफरिंग बंधन नहीं लगेगा, अज्ञान नहीं है तो कहने का मतलब ये जब अज्ञान नहीं रहेगा तो पहली अनुभूति होगी मुक्तता की, बंधनों से मुक्ति, शरीर के साथ, शरीर की अवस्थाओं के साथ, यानी मन वचन काया के साथ। जो कविराज ने कहा है त्रिशूल, क्या बताया? त्रिशूल, मन वचन और काया, वो त्रिशूल, वो कविराज ने पद में गाया है, त्रिशूल छताए जगत जहर पीनारो, शंकर पण हूं जने नीलकंठ हूं जचु, शंकर नीलकंठ हूं छु। आ त्रण सोल साथे हूं जो जहर पीव, तो जहर इतने सुख पर कि जहर पीने तो मरी जवाय, तो कैसे ना, एक कौन सा जहर है? वो अज्ञानता का जहर भी, इससे वो जहर पीने से फायदा क्या होगा? तो के अज्ञानता का जहर का मतलब होता है लोग जो भी कुछ दे रहे हैं हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, इसका ऑपोज नहीं करते हैं। भाई ऑपोज क्यों नहीं करते हैं? आपकी गलती नहीं है, कोई डांटता है तो ऑपोज क्यों नहीं करता है? तो कहता है ये कर्मों का हिसाब है शरीर शरीर के साथ। तो लोग क्या कहेंगे कि भाई हम अपने जीवन के अंदर अज्ञान का अनुभव करते नहीं है, अभी अज्ञान के अंदर ही, अज्ञान के माध्यम से ही सुख दुख ढूंढते हैं। फिर कहेंगे मेरे को रियल का अनुभव करना है, पॉसिबल ही नहीं, आपका बेस क्या है? अज्ञान। थोड़ा बड़ी बात यह है कि पहले समझो हमको अपने जीवन में अज्ञान को ज्ञान समझ के
प्राप्ति किया है और वो भी कई अवतार से। अभी अज्ञान को अज्ञान समझने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, विज्ञान की जरूरत है। ज्ञान भी रिलेटिव सत्य है, अज्ञान भी रिलेटिव सत्य है। विज्ञान सनातन सत्य है, विज्ञान सैद्धांतिक है, विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ है। ज्ञान और अज्ञान व्यू पॉइंट है, वो रिलेटिव सत्य है। सबका ज्ञान अलग अलग है, बराबर है कि नहीं? मुसलमान कहेगा मीट खाना हमारे धर्म में लिखा है, हिंदू कहेगा हम खा भी देख भी नहीं सकते। तो सबका व्यू पॉइंट क्या हो गया? एक कहते रात को खाना ही नहीं चाहिए, एक कहते रात को ही खाना चाहिए। तो सबका अपना क्या हो गया? तो ज्ञान अज्ञान वो क्या हो गया? व्यू पॉइंट। एक को रात को खाना वो ज्ञान है, एक को रात को खाना वो अज्ञान है। तो दोनों रिलेटिव सत्य है। क्या है ये? सनातन सत्य नहीं है। तो हर बातों के अंदर साइंस क्या कहता है, कुदरत का कानून क्या कहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहता है, वो समझने की जरूरत है। वो सबके लिए एक होता है। तो वो समझेंगे तो हर प्रकार के रिलेटिव सत्य का अज्ञान खत्म हो जाएगा। और वो बिलीफ के रूप में है। रिलेटिव सत्य कौन से रूप में है? बिलीफ के रूप में है। और यूनिवर्सल ट्रूथ का विजन डेवलप करना है नहीं, अभी डेवलप करना है। और इसीलिए उसमें रिसर्च चाहिए। मैं अपने अनुभव से तो आपको बताता रहता हूँ और बताता रहूंगा। आपको खुद साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। साइंस नॉलेज से, सुनने से, पढ़ने से नहीं होता है। साइंस अनुभूति से होता है। साइंस अनुभूति से होता है, और वो भी अनुभूति साइंटिफिक विजन का एप्लीकेशन से होता है। तो साइंस एक चीज है, वो है अनुभूति। और वो भी पहले विजन की क्लैरिटी चाहिए, फिर एप्लीकेशन, फिर एक्सपीरियंस। तो ये बात हम सबको समझना है कि अध्यात्म विज्ञान शब्द क्यों आया, इसका मैंने विवरण किया। तो कि विज्ञान सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और अध्यात्म शब्द वो आत्मा के साथ, मुक्ति के साथ, सनातन सुख के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान वो टाइटल बनाया, और बाद भी उसी टाइटल के मुताबिक करता हूँ। तो ये अध्यात्म विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है, ट्रेडिशनल नहीं है, और वो विज्ञान अनुभव के आधार पर है, नॉलेज के आधार पर नहीं है। तो अनुभव के आधार पर होने का मतलब ही ये है कि ये शास्त्र ज्ञान नहीं है। अगर शास्त्र ज्ञान, अगर कोई अनुभवी ने शास्त्र लिखा है, अनुभवी व्यक्ति का शास्त्र बना हुआ है, अगर वो आज भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो भी वो शास्त्र ज्ञान ही है, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाले के पास अनुभव नहीं है। तो फिर भी वो रिलेटिव सत्य हो जाएगा। बोले महावीर ने कहा है इसका शास्त्र है, फिर भी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे पास अनुभव नहीं है, तो वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा? रिलेटिव सत्य ही होगा। क्या बताया? रिलेटिव सत्य ही होगा। सनातन सत्य पॉसिबल ही नहीं है बिना अनुभव। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, ज्ञान किसका है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी के शास्त्र पढ़ेंगे तो भी उसमें से अज्ञान ही खींचेगा, क्योंकि दृष्टि क्या है? और ज्ञानी की दृष्टि, कोई अज्ञानी का किताब पढ़ेंगे तो भी ज्ञान खींच लेंगे। ये दृष्टि की बात है। यस प्लीज। आपने कहा कि ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव है, और विज्ञान एब्सोल्यूट है, मतलब रियल है। तो एक साइड पे हम आत्मा को ज्ञान घनपिंड कहते हैं, और ज्ञान मतलब आत्मा, तो ज्ञान रिलेटिव कैसे हो सकता है, उसको थोड़ा फोड़, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हम आत्मा को ज्ञान प्रकाश वाला बोलते हैं, तो फिर ज्ञान को रिलेटिव सत्य कैसे बोलते हैं? गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए तभी आंसर निकलेगा। आत्मा में जो ज्ञान प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश
शब्द और क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो मैंने पहले कई बार कहा, आत्मा में जो ज्ञान है वो ज्ञान नॉलेज रूप नहीं है, एक्शन रूप नहीं है। इनके पास जो ज्ञान है वो ब्रह्मांड की हर मूलभूत बातों को देखते ही वो अनकवर हो जाता है, वो ज्ञान है। वो खुद इस ज्ञान का जानने वाला करने वाला नहीं है, उसके प्रकाश में भी जानने वाला करने वाला ये है और उसके पीछे प्रतिष्ठित आत्मा है। मूल आत्मा कभी भी विनाशी अवस्थाओं को देखने जानने का इनका स्वभाव नहीं है, मगर वो अनकवर कर सकते हैं कोई भी चीज को। तो हम कहेंगे इस तीर्थंकरों को 82 लाख विद्या विद गिफ्ट होती है। तो विद्या का मतलब क्या है? क्या उन्होंने साधना करके पाई? नहीं, वो गिफ्ट के रूप में होती है। भाई गिफ्ट क्यों मिला उसको? तो विज्ञान जब अज्ञान सब अनकवर हो गया उस वही तो विद्या हो गई। नहीं, यहाँ पे तो विद्या प्राप्ति नहीं थी, अनकवर वो प्राप्ति है। और जब जब व्यक्ति के पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि अनकवर कर सकते हैं, तो एक एक विद्या के लिए साधना करनी पड़ती है। मगर जब अज्ञान ही निकल गया तो सब क्या हो गया? तो ऐसे व्यक्ति लाभ भी प्राप्त नहीं हुई ऐसे। नहीं, पर ज्ञान को रिलेटिव मतलब आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, और साधना के दौरान एक साधक की दशा देखे तो वो उनमें ग्रेजुअली ज्ञान ही बढ़ता है। मतलब शुद्ध ज्ञान जैसे आप हमें दे रहे हैं, हम उसके ऊपर मनन चिंतन करके अपने मति ज्ञान को बढ़ा रहे, फिर वो भाव शुद्ध में कन्वर्ट हो रहा है। जो मति ज्ञान और जो शुद्ध ज्ञान है वो भी ज्ञान के ही प्रकार है, तो उसको भी रिलेटिव कहेंगे क्योंकि उनको स्वप्रकाश ही कहते हैं। बता श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के बाद एप्लीकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो भी ज्ञान है, वो अनुभव ज्ञान है। मगर ये दोनों ज्ञान है, आपने सुना वो भी ज्ञान है, आपने अप्लाई किया वो भी ज्ञान है, मगर आपने अनुभव किया वो अनुभव के लेवल का साइंस है। तो साइंस है वो आपकी कैपिटल है, आपने सुना और उपयोग किया वो आपकी कैपिटल नहीं है। हाँ, आपने सुना वो आपका उदय कर्म है और उपयोग किया वो पुरुषार्थ जरूर है, मगर पुरुषार्थ के बाद क्या पाया वो आपकी कैपिटल है। आप समझे ना, जहाँ तक पाया और एप्लीकेशन किया वो आपको मिला एक निमित्त के माध्यम से, मगर जो अनुभव किया वो आपकी खुद की कैपिटल है। और वही कैपिटल से आपको सनातन सत्य दर्शन का मतलब क्या हुआ? दर्शन का मतलब ज्ञान नहीं है। आप समझो, ज्ञान और दर्शन दोनों अलग चीज हैं। ये जो दर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, ये दुनिया का सनातन सत्य कौन से सिद्धांतों पर काम करता है इसकी बात है। आत्मा जो है वो तो विज्ञान घन स्वरूप है, आप समझे, उसमें कुदरत का कानून नहीं काम करता। फिर भी स्वामी जी अगर थोड़े सूक्ष्मता से देखे तो दर्शन का भी अनुभव तो ज्ञान में ही होता है, क्योंकि दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि बिलीफ, चलो मैं मानता हूँ मैंने मेरे नाम की बिलीफ छोड़ दी, पर छुप नहीं जाती है। उसका एक्सपीरियंस तो वो दर्शन में है या नहीं है, उसका अनुभव तो मुझे ज्ञान में ही होता है। सो दर्शन ठीक है, हम एक फंडामेंटल बेस के तौर पर लेते हैं, पर दर्शन का हमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो सिर्फ हमें ज्ञान का ही होता है कि उसमें राग द्वेष होते नहीं होते, या बनती सिचुएशन में मुझे इफेक्ट होती है या नहीं होती है। सो मेरा ज्ञान या शुद्ध रहता है या अशुद्ध हो जाता है। अगर अशुद्ध हो जाता है तो मुझ पर इफेक्ट होती है और मैं चंचल हो जाता हूँ, और अगर मुझ पर इफेक्ट नहीं होती है तो मैं शुद्ध ज्ञान है, मतलब मैं मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में स्थिर हूँ। तो दर्शन हम जब बोलते हैं तब दर्शन में भी वही कंफ्यूजन रहता है कि दर्शन को भी हम जब तक ज्ञान का स्वरूप नहीं देंगे, क्योंकि वो तभी कंसोलिडेट होगा, वरना तो वो एक शुद्ध ज्ञान के रूप में रह जाता है। वही मैं कहता हूँ कि आज जो समाज के अंदर धर्म के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से जो ज्ञान शब्द की परिभाषा बनाई गई है, वो ज्ञान विज्ञान नहीं है। और इसीलिए उसको अलग करने के लिए मैंने ज्ञान अज्ञान, अज्ञान ज्ञान के बाद विज्ञान की बात बताया, ताकि लोगों को समझ में आएंगे कि मूल ज्ञान तो विज्ञान स्वरूप है। नहीं तो फिर ज्ञान कहेंगे तो बोला वो तो किताबों में है, वो तो गुरु भगवान बताते हैं, तो वो इसको इक्वल लगेगा। तो मैं विज्ञान कहूंगा तो उस ढूंढेगा कि यह सिद्धांत के ऊपर आधारित है। मतलब सिद्धांत ढूंढेगा, विज्ञान शब्द तो सिर्फ प्रिंसिपल को लगेगा। हाँ, तो विज्ञान का ज्ञान लगेगा, विज्ञान का ज्ञान बोलोगे तो चलेगा, मगर विज्ञान बोलोगे तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस में तो मुझे ज्ञान ही आएगा।
मेरे को अलग करने के लिए विज्ञान शब्द के ऊपर वेट देना पड़ा, और आज मैं समझता हूँ भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे साधु संत सन्यासी और प्रवचनकार हैं जो आज से पहले 5-10 साल पहले विज्ञान शब्द का प्रयोग अपने प्रवचन में नहीं करते थे, वो आज करने लगे हैं। यही विज्ञान का पावर है, क्योंकि उनको मालूम हुआ, ज्ञान तो हमने बहुत पाटा किताबों के माध्यम से कहो या अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन किया, मगर विज्ञान की बात हमने नहीं किया। अभी लोग जागृत हो चुके हैं, कहीं से भी सुन सकते हैं, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और ये लोग जब विज्ञान की बात सुनेंगे और हम ज्ञान की बात करेंगे तो फिर वो एक्सेप्ट धीरे धीरे नहीं करेंगे, तो बाद में उसको भी विज्ञान की बात शब्द प्रयोग से भी करनी पड़ती है, भले अनुभव है कि नहीं है मगर वो बतानी पड़ती है, ताकि लोगों को लगेगा कि यहाँ भी विज्ञान की बात है। तो ये कोई हमारा विज्ञान शब्द बोलना वो ज्ञान को डिग्रेड करने के लिए नहीं था, मगर आम लोग जिस प्रकार से ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं वो विज्ञान नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है, आप समझे, ताकि लोगों को थोड़ी सोच तो बदलनी चाहिए। अगर यही शब्द आप प्रयोग करूंगा ज्ञान ज्ञान तो बोला वो तो किताब में है, वो तो हमारे धर्मगुरु बताते हैं, तो फिर डिफरेंस तो विज्ञान कहूंगा सिद्धांत कहूंगा तो उसको सोचने के लिए वो मजबूर होंगे, इसीलिए शब्द प्रयोग है। बाकी ज्ञान दाता भगवान ने भी ज्ञान शब्द ही कहा है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर फिर भी लोगों में जागृति विज्ञान की नहीं आई, तो इसलिए मेरे को उसको अलग करना पड़ा, दैट इज माय इंटेंशन, अदरवाइज मैं ज्ञान को डिग्रेड करना नहीं चाहता। नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कहता, मतलब मैं क्या कहता हूँ, विज्ञान भी एक ज्ञान ही है, मगर अगर मैं विज्ञान में वेट नहीं दूंगा और सिर्फ ज्ञान शब्द बोलूंगा तो फिर इक्वल लगेगा लोगों को, तो कुछ ना कुछ मैं अलग तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि विज्ञान का मतलब प्रिंसिपल के साथ जुड़ा है और ज्ञान का मतलब होता है अपना धार्मिक कहो सामाजिक कहो एक व्यू पॉइंट है। क्या है अब विज्ञान की बात करो छो, विज्ञान એટલે વિકલ્પ વિનાનું જ્ઞાન, જે વિકલ્પો છે ત્યાં કર્મ છે ત્યાં કર્તા છે, પણ જે નિર્વિકલ્પ દશા આવી ગઈ એ વિજ્ઞાન થઈ ગયું, એટલે વિજ્ઞાનમાં શું છે કે અનુભૂતિ થાય તો જ એને વિજ્ઞાન કહેવાય, રાઈટ, અનુભૂતિ વિનાના જ્ઞાનને આપણે વિજ્ઞાન કે વિકલ્પ વિનાનું જ્ઞાન ના કહી શકીએ, એટલે આ છેલ્લે બધું આવે છે કે આપણે જ્ઞાન બોલીએ કે પણ જ્ઞાન જે તો બોલીએ અનંત વિકલ્પો, જ્યાં વિકલ્પ પેદા ના થાય, બતાવાની કે કોશિશ કિયા કે જૈસે દાદા ભગવાન ને ભી બતાયા શાસ્ત્રો ભી લિખા હૈ કે શરીર જડ હૈ ઓર દાદા ભગવાન યે ભી કહા કે શરીર મશીન હૈ, वो भी उन्होंने बताया है, वो नई बात नहीं है, मगर मैंने वही मशीन को मशीन कहा, मगर मैंने उसको एक्सप्लेन करके रियलाइज करवाया, उन्होंने मशीन कहने के बाद लोग मशीन है ऐसा स्वीकार नहीं करने लगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं था, उनके पास विजन नहीं था, वो मेरा प्रश्न नहीं है, प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ। तो मैंने यही मन वचन काया को सिर्फ मशीन है, इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, वो मैंने एक्सप्लेन किया ताकि थिंकर पीपल लोग इसको एक्सेप्ट करें, इट्स नॉट लाइक अ डायलॉग बट इट्स अ टोटली साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, सो एनीवन कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैंने यही मशीन को एक्सप्लेन किया। फिर अभी दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, तो कोई धर्मों को कहेंगे ये ऊंचा है ये नीचा है ये गलत है सही है, वो व्यू पॉइंट हो सकता है, मेरा धर्म बड़ा तुम्हारा छोटा ऐसा हो सकता है, आज ये धर्म पसंद है कल दूसरा धर्म पसंद कल तीसरा धर्म ऐसा हो सकता है, आज ये गुरु कल दूसरा गुरु तीसरा गुरु ऐसा हो सकता है, पर मैंने क्या कहा, सिंपल बता दिया दुनिया के हर धर्म फॉर्मेट है, तो मैंने किसी को गलत सही नहीं कहा कि ये फॉर्मेट है, और फॉर्मेट को ही फॉलो करना वो आपका धर्म है, और हम जो बात करते हैं बियॉन्ड फॉर्मेट की है, तो कुछ तो डिफरेंस बताना पड़ेगा ना, तभी तो लोग सोचेंगे, फिर मैं कहूंगा नया धर्म है तो फिर फॉर्मेट का ही हिस्सा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं विज्ञान की बात करता हूं, मतलब ये फॉर्मेट की बात नहीं करता हूं, या फॉलो करने की बात नहीं है, या विजन की बात है एक्शन की नहीं, तो डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो लोगों को लगा ये भी इक्वल है ऐसा लगेगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, अनुभव से प्रेजेंटेशन डिफरेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो वही का वही रहेगा,
जो 24 तीर्थंकर ने बताया वो भी वही विज्ञान बताया, मगर सब व्यक्तियों ने अपना अनुभव पेश किया, जो आगे तीर्थंकर ने बताया उसके कॉपी नहीं किया। तो ये अनुभव से ये प्रेजेंटेशन है कि आज तक समाज में जिस प्रकार से महान पुरुषों ने अपने ज्ञान बताने की कोशिश किया फिर भी आम लोग नहीं समझ सके, तो उसका जो मिसिंग लिंक है एज फार एज पॉसिबल मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, एज फार एज पॉसिबल एज पर माई एबिलिटी, यही मेरा प्रयास है। कोई नई बात बताने का मतलब ये नहीं है कि बाकी पहले वाले सब खोटे थे गलत थे, ऐसा नहीं, लोग नहीं समझ सके, दैट इज अ क्वेश्चन। यस આજી જ્ઞાન છે એટલે આત્મ પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, અને દીપ લેવાનું જે પ્રકાશ અને દીપ છે પકડી ના શકાય પણ જાણી શકાય, એટલે આત્માનો સ્વભાવ તો ગાયક, જ્ઞાનનો શબ્દ ગાયકનો જાણવું છે, ગાયકનું જાણવાનું છે, અને અંતરમની આપણી આત્માની ઊંડાઈની જ અનુભૂતિ કરવી, પરમ આનંદ થવો, એકદમ અખંડ આનંદ થવો, કારણ કે આત્મા તો અખંડ રીતે અખંડતા તો છે જ નહીં, એટલે અખંડ પોતાના સ્વભાવમાં અંદર જવું અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવો, એ જ કેવળ જ્ઞાન, એ જ જ્ઞાન, એ જ વિજ્ઞાન થઈ ગયું ને, જ્ઞાન એટલે જ્ઞાય જાણવું, અનુભૂતિ અંદરમાં પરમ આનંદને પેદા કરવો પોતાના સ્વમાં, એટલે આપણે જો કહો જ્ઞાન કા મતલબ આત્મા કા, એક મિનિટ, આત્મા મેં જો જ્ઞાન હૈ વો જ્ઞાયક સ્વભાવ કા હૈ ઓર વો જ્ઞાયક કા મતલબ હૈ જાનના, વો જાનના વો બહાર કી બાત નહીં હૈ, જાનને કા મતલબ મેરા સ્વભાવ હૈ ઉસમે રહેના હૈ और मेरे स्वभाव से खुला होने के बाद जो अनकवर होता है वो जानने वाला तो प्रतिष्ठित आत्मा है थ्रू द प्रकृति, ये मेरी जानकारी है भी नहीं और मेरे को जरूरत भी नहीं है। आत्मा 82 लाख विद्या अगर खुली हो गई है मैंने जान लिया मगर मेरे लिए कोई काम की बात नहीं है। तो आत्मा तो ज्ञायक छे, आत्मा वेदक छे, आत्मा चेतक चेतक चेतवे पण छे, आपणे आत्माना जे बधा गुण કહીએ છે चेतक का मतलब होता है जागृति, अवेयरनेस, प्रकृति के वेदना से वो निर्वेदक है और अपने अनुभूति से वो संपूर्ण वेदक है, तो ये बात सबको समझना है, अगर अपने स्वभाव को अनुभव नहीं करता है तो फिर मतलब ही क्या रहा, मगर रिलेटिव सत्य से वो निर्वेदक है और अपना स्वभाव से वो स्व संवेदक है। हाँ, मतलब जब वो हमारा अस्तित्व आत्मा को जानने के लिए यूज होता है तो स्व संवेदन बन जाता है, और प्रकृति से निर्लेप होने की कोशिश करता है तब वेदक दशा में, तो निर्वेदक है। हाँ, मतलब वेदक दशा मतलब जानता है कि वेदना से हम, वेदना मतलब जानना ही होता है, वेदक मतलब जानना, वेद शब्द ही जानना मतलब ही जानना है, सफर नहीं करना है, मगर ये इसीलिए कहा ना कि ये अनमैच्योर शब्द है, वेदना का मतलब होता है सुख दुख को अनुभव करना, वो वेदना नहीं है, सुख दुख को जानना। हाँ, सो धीरे धीरे भोक्ता भाव में से वेदक में जाता है और वेदक में से ज्ञायक, और इसीलिए जब आध्यात्मिक पुरुष मुक्त पुरुष होते हैं वो मन वचन काय की अवस्थाओं को वो जानते हैं, और लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि मायूस के कान में खेले लगे, इसको कष्ट हुआ, इसको 6 महीने तक खाना नहीं मिला, इसको जंगल में नंगे पाव घूमना पड़ा, बारिश तार ताप सहन करना पड़ा, ये आम लोगों की मान्यता है, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए तो ये है मैं स्वसंवेदक हूँ, और प्रकृति है वो कर्मों के भुगतान का साधन है, उसमें डिवीजन की जरूरत नहीं है, मगर रिलेटिव सत्य वाले लोग डिवीजन बनाते रहेंगे और वो पजल में फंसते रहेंगे, इसमें भगवान क्या करेगा, किसी को जो मानना है वो मान सकते हैं, कोई भगवान को प्रश्न करेंगे तो उत्तर देंगे, मगर बिना प्रश्न किए मान लेंगे तो कोई क्या करेंगे। यस, आत्मा जी तब वेदक चेतक अलग गुण छे, आत्मा में ज्ञान ज्ञेय अने ज्ञाता आ त्रणे गुण छे, એટલે એ જ્ઞે સ્વરૂપ પરિણામે તો જ જ્ઞાતા હોય તો જ નહીં પડી શકે, એટલે આત્મા ત્રણે જ્ઞાન જ્ઞાતા અને જ્ઞે આ ત્રણે આત્માના ગુણ થઈ ગયા ને, જો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હે वो ज्ञाता दृष्टा
वो आत्मा का स्वभाव है, मगर वो ज्ञाता दृष्टा अवस्था का नहीं है। क्या बताया? स्वभाव अवस्था का, ज्ञाता दृष्टा प्रतिष्ठित आत्मा। तो ये यहाँ ज्ञाता दृष्टा का मतलब होता है आत्मा जो है वो तत्व को प्रकाशित कर सकती है, अवस्था को जब प्रकाशित कर सकती है, और अवस्था का जो रिलेटिव सत्य है वो उनकी जानकारी उनको जरूरत भी नहीं है भी नहीं, मगर रिलेटिव सत्य की जानकारी फिर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को होती है और वो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान को प्रश्न करेंगे कोई जीव समोवसण में कि हे भगवान मेरे को इतना कष्ट झेलना पड़ता है तो उसका कारण क्या है, ऐसा कोई तीर्थंकर भगवान को देशना में प्रश्न करेगा तो तीर्थंकर भगवान जो उदय कर्म के अधीन है वो केवल ज्ञान में देखकर बोलते हैं कि तुमने पिछले अवतार में ऐसा किया था इसका ये फल है और यहाँ तक ये रहेगा। तो बिगिनिंग से लेकर एंड तक पूरी अवस्था इसको प्रेजेंस में देखती है, कॉज और इफेक्ट की एंड ये पूरा प्रोसेस उसको प्रेजेंट में दिखता है, मगर वो देखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, वो भी डिस्चार्ज है। इससे केवल ज्ञान से कोई कंसर्न नहीं है। केवल ज्ञान में देख के प्रतिष्ठित आत्मा बोलता है, केवल ज्ञान देख के नहीं बोलता है। अनंत दर्शी अनंत दर्शी अनंत प्रकार दर्शन एक सेकंड में फूटी जाए आत्मा मुख पर क्या ऊपर मुखो तो यानी शक्ति जाए कि वल्लू कोई पर तत्व अंत करते ही जाए। वही तो मैं कहता हूं अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत चरित्र वही तो मैंने कहता हूं। इसीलिए कहा ने कि तीर्थंकरों को अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान होना जरूरी नहीं है, वो बियॉन्ड हो गए। क्या हो गए? वो बियॉन्ड हो गए। आप समझे ना? केवल ज्ञान था એટલે अवधि ज्ञान मन पर तो छुट्टी जाए पछि जरूरत ही नहीं, वो बियॉन्ड हो गए तो एब्सोल्यूट ज्ञान मिल गए। जब आपको यूनिवर्सल ट्रू साइंस का ज्ञान हो गया तो फिर फॉर्मेट के ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो गलत ऐसा नहीं है, जरूरत कहने का मतलब वो गलत का मतलब ही नहीं है, आपको भी यूज ही नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। गलत कहने का तो कोई सवाल ही नहीं है, गलत हो भी नहीं सकता है। प्रश्न ले लो, प्रश्न ले लो, एक मिनट में उसको पढ़ लू આત્મા આગળના ગુણસ્થાને કે જઈ શકતું નથી, એટલે ગ્રંથિ એટલે ગ્રંથિ ભેદ કરીને આગળ જાય છે। પહેલા ગુણસ્થાનક ગ્રંથિ છે તેનું ભેદન કર્યા વિના આત્મા આગળના ગુંઠાના કે થઈ શકતો નથી। અહીંયા આત્મા તો આપણે પ્રતિષ્ઠા આત્મા છે, પ્રાજ્ઞસ્ત તમને હું કહું છું આજના જ વધે, પણ આપણે સમજી લેવાનું એમ કરી તો પછી પઝલ થશે। પછી સ્ટારમાં બીજું છે જોગાનુજોગ મળતા અકામ નિદ્રા કરતા જીવ આગળ વધે છે અને ગ્રંથિ ભેદ નજીક આવે છે। જોગાનુજોગ મળતા અકામ નિર્જરા કરતા જીવ આગળ વધે છે ને ગ્રંથિ ભેદ નજીક આવે છે, એટલે ખબર ના પડે એટલે ગ્રંથિ ભેદ કરવામાં મોડો પડી જાય, અસમર્થ થઈ જાય પાછો વળી, એટલે બને જ્ઞાની પુરુષ ગ્રંથિ ભેદ માટે હું તમને દ્રષ્ટિ આપે પણ તમે એપ્લિકેશનમાં કાચા પડી જાઓ એટલે તમે ગ્રંથિ ને છેદી ના શકો અને એ ગ્રંથિ તમારા માટે આવરણ બને છે। એટલે અહીંયા આપણે જે ગ્રંથિ શબ્દ જે કહીએ છીએ એને મિથ્યાત્મને જ ગ્રંથિ કહે છે, મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન બેને ગ્રંથિ કહે, જ્ઞાન દર્શન બે, કારણ કે જ્ઞાન દર્શન જે મિથ્યાત્મ છે ને જે મિથ્યાત્મ એ આમ તો દર્શન જ કહેવાય પણ દર્શનના બે ભાગ પડ્યા છે, કારણ કે આ શરીર એ પણ દર્શનમાં જ જાય પણ અત્યારે તો હું શરીર છું એ મિથ્યા જ્ઞાન કીધું, સમજાય છે, પણ છે દર્શનનો ભાગ, એટલે દર્શનના બે ભાગ છે મિથ્યા જ્ઞાન ને મિથ્યા દર્શન। પેલામાં તો મિથ્યા છે જ નહીં, હું આત્મા છું એમાં તો મિથ્યા શું કહેશો, અનુભવ નથી પણ જ્ઞાન તો સમય સમય જ છે ને, પણ આમાં મિથ્યા દર્શનના બે ભાગ
મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા દર્શન એટલે કે પ્રકૃતિને મારું માનવું, પ્રકૃતિને ચલાવનારો હું છું માનવું, પ્રકૃતિ કે જો ભુગતાન હે વો મેં ભુગતાન કર રહા હું યે માનના, યે મિથ્યા જ્ઞાન ઓર મિથ્યા દર્શન. તો ઇસમેં દો બ્રાન્ચેસ હૈ, જ્ઞાન મેં બ્રાન્ચેસ નહીં હૈ. તો મિથ્યાત્વને ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ સાથે જે કનેક્ટ કરે છે કે અહમ અહમ બુદ્ધિ, મમત્વ બુદ્ધિ, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ અને ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ, આ ચાર પ્રકારના અજ્ઞાન જીવ ચાર પ્રકાર બતાય. હું મન બુદ્ધિ અને ભોક્તા, મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર જો બતાયા હે, એ ચારો કો અપના અપના રોલ હૈ ઓર ઉસકો અલગ પ્રકાર સે પેશ કિયા હૈ. એ ચાર કા રોલ હૈ ઓર વો ચાર રોલ વાસ્તવ મેં એક હૈ, રોલ ચાર હૈ, ચાર ચીજ નહીં હૈ. ભોગવટા ને મારો ભોગવટો છે એવું, આ ચાર પ્રકારની જે માન્યતાઓ છે કે જે મિથ્યાત્વ ના લેવલે દરેક જીવ માં પડેલી છે સ્ટ્રોંગ થઈને, અને એ જ ગ્રંથિ છે. એક ગ્રંથિ માન્યતા, એક ગ્રંથિ વોહી તો ગ્રંથિ છે. क्योंकि मान्यता से ही तो सफरिंग है. आप देखो कि ये रुमाल वो सफरिंग नहीं है, आप समझो रुमाल वो यूज करने का साधन है. सफरिंग तब होता है मेरा रुमाल है आपने टच क्यों किया. तो रुमाल सफरिंग नहीं है, टाइटल ऑफ ओनरशिप सफरिंग है, आप समझे. तो वो मिथ्या क्या, वो ग्रंथि हो गई, मिथ्या ग्रंथि हो गई, आप समझे. दुनिया की कोई चीज बंधन कैसे हो सकती है अनलेस योर बिलीफ. तो बिलीफ है वो अज्ञान है, अवस्था अज्ञान नहीं है. अवस्था तो सफरिंग है, भुगता है, पर वो मैकेनिकल है. क्या है मैकेनिक? कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी ये हम कर्म भुगतान करते हैं वो तो शरीर से करते हैं. मैंने बोला शरीर में कर्म के भुगतान करने की शक्ति बचे है ही नहीं. बोला ऐसा कैसे, सुख दुख तो इसे अनुभव करते हैं. मैंने बोला वो माध्यम है, वो सुख दुख का अनुभव नहीं करते. बोला ऐसा कैसे बोला. मैंने बोला इसको जला दो, दुख की अनुभूति होती है मुर्दे को, क्यों नहीं होती है. शरीर तो है मगर शरीर के माध्यम से जो अंतस्करण है वो भुगतान करता है. ये मीडिया है, ये सुख दुख का साधन नहीं है. मगर मेरी बिलीफ क्या, ये मेरा है तो मेरे लिए सुख दुख का साधन हो गया. आप समझे. तो बिलीफ किसमें होती है, पर इसमें नहीं है, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा में होती है, डिस्चार्ज. तो वो भुगतान करता है थ्रू द बॉडी एंड थ्रू सर्कमटांसेस. तो ये बात समझना है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है. क्या है? और इसीलिए मैंने कहा ये इंस्ट्रूमेंट के पास सुख दुख भुगतान करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है. ये मीडिया बनता है, भुगतान करता है प्रतिष्ठित आत्मा. क्योंकि बिलीफ किसके पास है, एक गरीब है, एक शरीर है, दोनों शरीर है. एक भिखारी का शरीर है वो भी शरीर है, और एक धनवान का शरीर है वो भी शरीर. दोनों का शरीर तो इक्वल है, फिजिकल फॉर्म में कहो, इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में कहो, मगर दोनों की बिलीफ अलग अलग है. तो जब गरीब को मैंने 5 रुपया दिया वो खुश हो जाएगा, और जो अमीर को मैंने 5 रुपया दिया इसको इंसल्ट लगेगा. तो इसके पीछे राज क्या है, पैसा जिम्मेदार है, देने वाला जिम्मेदार है कि बिलीफ. तो जो भुगता पड़ो छे तो भुगतो छे, ये डिस्चार्ज अहंकार करे छे कि चार्ज अहंकार करे. जो ऑन द स्पॉट जो भुगतान होती है, ऑन द स्पॉट जो अपोज होता है, रिएक्शन होता है, वो डिस्चार्ज में होता है ना. फिर सोच समझ के होता है, वो चार्ज में होता है. सोच का मतलब होता है नहीं, बताओ पहला ने खाली भुगता पड़ू कही पर भोगवटो नहीं कही है ना. वो बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, मगर सफरिंग जो जीवंत प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें क्या होता है, वो अवस्था को पकड़ लेते हैं कि मेरे को हुआ, बस ये क्या हो गया है? होता है इसके माध्यम से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को. आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, हमने मिरर में देखा अपने फेस को, देखा मिरर में और काजल यहां लगा है मगर दिखा कहां, तो सफाई क्या करते हैं मिरर में. भाई दिखता तो वहां है तो वही करेंगे ना, बस इसी का नाम अज्ञान है. बोला वो तो पिक्चर है, ऐसे अज्ञान दृष्टि में है और ये तो इसका मिरर है. क्योंकि आपने डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा एक द्रव्य कर्म ने नो कर्म ने कहीशू,
तो द्रव्य कर्म अने नो कर्म मां एवुं कोई कर्म नथी के जेमां सुख अने दुख एटले चाहता अशाता चोक्कस छे पण सुख अने दुख एवा प्रकार अथवा गमो अणगमो चोक्कस छे पण सुख अने दुख जेवो शब्द खाली चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मां थई शके एवुं लागे नहीं उ लोक मानते भी तो है ने कि मेरे को सुख मिला वो अपने तो जो माने से ये तो चार प्रतिष्ठित आत्मा है ना नहीं 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 मानते हैं वो बोलते भी है कि मेरे को सुख का अनुभव होता है दुख का अनुभव होता है पर इतने चार्ज था ये ना अज्ञानता थी नहीं बोलने से चार्ज नहीं होता है वो बिलीफ से होता है अज्ञान बिलीफ से होता है बोलना को तो उदय कर्म है अनुभव करना वो भी उदय कर्म है मगर अनुभव को मेरा अनुभव बोलना भुगतान को मेरा भुगतान बोलना बस ये अज्ञानता है इसको तो इसके माध्यम से डिस्चार्ज आत्मा को तो अवश्य अनुभव होगा क्योंकि उनकी तो बिलीफ चार्ज में तो डिस्चार्ज में उसको ही तो अनुभव होना चाहिए ना अगर मैंने चार्ज में अनुभव किया है कि मेरे को इस प्रकार का संजोग मिलेगा तो आई फील हैप्पीनेस ऐसा मैंने बिलीफ बनाया था और पुण्य के वश मेरे को इस प्रकार के संजोग बाहर रूपक में मिले कुदरती रचना के रूप में तो इसके माध्यम से मैं फील करता हूँ फील कौन करेगा डिस्चार्ज आत्मा क्योंकि उनकी डिजाइन थी वो डिजाइन के मुताबिक मिलता है दे फील हैप्पीनेस मगर वो भी डिस्चार्ज भाग है बाहर संजोग है वो तो कुदरती रचना है मगर उस कुदरती रचना के आधार से उनको फीलिंग हुई हैप्पीनेस की अगर उसका अगेंस्ट होता है तो वो अनहैप्पीनेस फील करता है कई लोग रहते हैं जीवन में मकान में उनको लगता है कि मेरे डिजाइन के मुताबिक नहीं होता है अभी क्या होता है देखो मकान में कम से कम दो व्यक्ति रहता है हस्बैंड वाइफ के फॉर्म में नॉर्मली तो दोनों की डिजाइन तो एक नहीं हो सकती है यू अंडरस्टैंड तो 100% दोनों सेटिस्फाई होंगे एक ही मकान में वो पॉसिबल ही नहीं मगर उदय तो एक ही का होता है सफरिंग दोनों का एक को लाइक है एक को डिसलाइक है तो कभी क्या होता है वाइफ को पसंद का मकान मिलता है तो दे एंजॉय इन हाउस हस्बैंड को नहीं होता है तो वो संभावना निकाल कर देता है कभी हस्बैंड को होता है कि ये मकान ठीक है मेरी जॉब के हिसाब से कहो मेरे फ्रेंड कहो रिलेटिव्स कहो नजदीक है तो मैं यहाँ रहूंगा तो उनको संतोष होगा वाइफ को होगा क्या करूंगा मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी बोले मेरे रिलेटिव सब दूर रहते हैं मगर एडजस्ट तो होना है तो ऐसे करके दोनों का तो 100% होता ही नहीं मगर ऐसा क्यों होता है आज सिचुएशन में भी जो एक एग्जांपल में ऐसा क्यों होता है क्यों दोनों ने भाव किया है मगर दोनों के मुताबिक साइंस पहले समझो ये दोनों ने भाव किया कि इस प्रकार की परिस्थिति मेरे को चाहिए मकान का एग्जांपल लिया वाइफ की भी चॉइस अलग है हस्बैंड की चॉइस अलग है इन प्रीवियस बर्थ अभी रिजल्ट आता है तो एक ही चॉइस के मुताबिक आता है ऐसा क्यों बस इसको कहते हैं पाप और पुण्य आज सिचुएशन में आपने बीजेपी दे कोई हर बात की बात है कि एक एमा एक बेमा थी एक जीव ज्ञानी छे अरे बीजो अज्ञानी छे तो बन्ने ना भोगवटा में फेर पड़ी जाए छे ऑर्डर बन्ने नो छे जेवू जेने मळे छे एवो जेनो ऑर्डर छे एवू तो छे नहीं कि एकनो ज ऑर्डर नहीं क्यों हां दोनों का उदय है ना अभी ज्ञानी नो उदय जे हशे एमा एने पदार्थो तो ईज प्राप्त थया सेम सेम छता पण एने अंदर क्षमता छे તો એને ત્યાં કોઈ ભોગવટો નથી સુખનો તો હું એ જ કહેવા માંગુ કે સુખ અને દુઃખનો અનુભવ એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં કેવી રીતે થાય એ તો ખાલી ચાર્જ અહંકારમાં મતલબ જે જીવતો ભાગ છે એમાં જ લાગણીનો અનુભવ થઈ શકે કહો સુખ દુઃખ કે જો ભુગતાન હૈ વો તો પ્રકૃતિ કે માધ્યમ સે સંજોગો કે માધ્યમ સે ડિસ્ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કો હોતી હૈ મગર સુખ દુઃખ वो राग द्वेष से चार्ज होता है किससे होता है वो चार्जिंग पॉइंट में राग द्वेष से ही है कुछ कहीं अनुकूल परिस्थिति होती है तो उसमें राग से चार्ज होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में द्वेष करता है तो वो भी चार्ज होता है तो राग द्वेष चार्जिंग है और सुख दुख या तो सातावेदनीय असातावेदनीय वो अनुभूति है हैज पर इस प्रीवियस बर्थ बिलीफ तो अनुभूति में तो सुख दुख है क्योंकि बिलीफ है मगर वो बिलीफ के ऊपर वो राग द्वेष करता है वो चार्ज होता है क्या सुख दुख की अनुभूति जैसे कि गमन गमन की अनुभूति जैसे सुख दुख की अनुभूति बाहर होती है गमा और गामा वो राग द्वेष के साथ कनेक्टेड है यानी गमो और गमो ने आपने नो कर्म सु काम कहिए गमा कर्म थे जो क्योंकि राग द्वेष भाव कर्म से गमा और गामा को हम नो कर्म बोलते हैं लाइक डिसलाइक वो क्या बताया कि नो कर्म का मतलब वो डिस्चार्ज ही है मगर वो डिस्चार्ज में जो गमा और गमा है वो तो उदय कर्म रहा वो जिंदा नहीं है जिंदा गमा और गमा वो ही तो राग द्वेष है
तो अलग प्रकार का शब्द प्रयोग किया है, मगर राग द्वेष वो कर्मचार्य है और सुख और दुख वो डिस्चार्ज अनुभूति है। तो अनुभूति में हम कहेंगे सुख और दुख, चार्जिंग में राग द्वेष कहेंगे। क्यों राग द्वेष कहेंगे? क्योंकि उसमें हमारी चॉइस है, हमारा सार निकलता है, इंटेंशन, उसके बाद सिग्नेचर करते हैं कैसा संजोग चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, यानी राग द्वेष से कर्म बनते हैं और सुख दुख से उसकी अनुभूति होती है स्थूल, आप समझे ना। तो कोई भी कहेंगे कि ऐसा संजोग मिलेगा तो मेरे को अच्छा लगता है, ये संजोग होगा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर प्रकार की जो रिलेटिव सत्य की जो भ्रांति है वो मिटाने के लिए ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस अल्टीमेट है। क्या है? और कोई रास्ता नहीं है। आप बिलीफ बदल सकते हैं, मिटा नहीं सकते अनलेस आपके पास यूनिवर्सल ट्रू साइंस है। तो साइंस ही एक ऐसी बात है जो हर प्रकार का परमानेंट सॉल्यूशन देता है। बाकी जो ज्ञान है जिसको हम शास्त्र ज्ञान कहेंगे, क्रिया का ज्ञान कहेंगे, वो अज्ञान ज्ञान को बदलता है, अज्ञान को निकलता निकालता नहीं है। विज्ञान ही अज्ञान यानी रिलेटिव सत्य को, और इसलिए मैंने बार बार अज्ञान की अज्ञान के पीछे इनटू इन्वर्टेड कॉम बताया रिलेटिव सत्य। कोई व्यक्ति ने रिलेटिव सत्य को अज्ञान नहीं कहा है, अज्ञान और ज्ञान शब्द की उपयोग किया है। आपने विज्ञान ने पण समझ जो का इशू है एक्चुअली, तो विज्ञान એટલે શું? विज्ञान का मतलब होता है सैद्धांतिक समझ, सैद्धांतिक। अबे सैद्धांतिक समझ तो कदाच અહીંયા ઘણા બધા આપણી પાસે છે, ઘણા બધા લોકો પાસે પણ સૈદ્ધાંતિક સમજ ને જે તે સંયોગોમાં ઉપયોગમાં હો પુરુષાર્થ છે, હા, તો એટલે અનુભવ તો પુરુષાર્થ થી થશે, વિજ્ઞાન થી થોડો થશે નહીં। वो तो सिंपल बात है ने, मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान पढ़ने से या विज्ञान सिर्फ सुनने से साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। विज्ञान को सुनने के बाद अपने विजन में सेट करना पड़ेगा, आपके प्रोसेस से। इसको कहते हैं मति ज्ञान। फिर आपको संजोग में वही मति ज्ञान को उपयोग करेंगे, बाद में आपको एक्सपीरियंस होता है, तो वो साइंटिफिक प्रोसेस है। सुनना और पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बनता है। पुरुषार्थ की महत्ता बहुत है, और इसीलिए मैंने बार बार कहा है सिर्फ सुनने से अनुभव नहीं होगा और साइंटिस्ट भी नहीं बन सकते हैं। एप्लीकेशन से, खुद के अनुभव से ही आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। ज्ञानी पुरुष या विज्ञानी होते वो आपको दृष्टि देते हैं, अपने अनुभव को वो आपको शेयर करते हैं, तो इसको आपको हेल्प होती है। क्या होती है? मगर रियलाइजेशन तो खुद को ही करना पड़ेगा। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप हमको अनुभव करवा दो, तो मैंने बोला अनुभव कोई किसी को नहीं करवा सकते हैं। एक महात्मा ने पूछा था बंबई में, पुणे में, कि स्वामी जी वो दादा भगवान तो आत्मा का अनुभव करवाते थे एक घंटे में ज्ञान दीक्षा देके। मैंने बोला वो दृष्टि देते, बोला नहीं वो ज्ञान देते तो कहता थे एक अष्टमांश अनुभव ऐसा कुछ वो बताते हैं, कहीं लिखा भी है आप्तवाणी में, हमने सुना भी है, तो उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया था। तो मैंने बोला ठीक है अनुभव करवाते थे वो उन्होंने बताया, मगर अनुभव कभी करवाने का नहीं होता है, आपकी निष्ठा को वो मजबूत कर सकते हैं विच इज प्रेजेंटेशन, मगर अनुभव करना वो हर व्यक्ति का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है विथ इंटरेस्ट एंड विथ एप्लीकेशन। विदाउट इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन एक्सपीरियंस संभव वो किसी को देने से नहीं होता है। मगर ये समझना चाहिए कोई शब्द के ऊपर उन्होंने वेट दे दिया है तो ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं करेंगे, मगर इसको प्रिंसिपल भी नहीं समझेंगे, एक मॉरल सपोर्ट के लिए आपको कहा है, आप समझे ना। जैसे कहीं लोग, एक महात्मा ने मेरे को प्रश्न पूछा था, स्वामी जी दादा भगवान ने तो खुलेआम कहा है कि मेरे ज्ञान लेने के बाद कर्म बंद, कर्म चार्जिंग बंद हो जाएगा, तो खुलेआम कहा है, किताब में भी लिखा है, आप कैसे इसको डिनाई करते हैं। मैंने कहा देखो उनमें सोचो, अगर कर्म चार्ज होना बंद हो गया ठीक है, वही तो केवल ज्ञान है। लास्ट बर्थ में क्या होता है? चार्ज होता है, तो फिर केवल ज्ञान होगा, तो फिर पुरुषार्थ शब्द की जरूरत नहीं, फिर पुरुषार्थ शब्द मत बताओ, फिर रिचुअल्स की बात मत करो, रिचुअल्स में जो पुरुषार्थ की बात करते वो जरूरत ही नहीं है ना। तो प्रिंसिपल को समझो, उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है, उनके विजन से उन्होंने ये कहने की कोशिश किया है कि जब मैंने आपको कहा है कि संसार की कोई भी चीज की वैल्यू नहीं है,
अवस्था की वैल्यू नहीं है, इवन दो मनोचन काय की भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ आत्मा की वैल्यू है। वो आपको ये दिखाने की कोशिश किया कि ये समझने के बाद आपको संसार के अंदर सुख है वो भ्रांति से जो कर्मचार्य होते थे, अगर ये हमारा साइंस आपके विजन में रहेगा तो वो कर्मचार्य नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सुख तो आत्मा में है और ये तो भ्रांति है। अगर ये समझ में आ गया तो आप वो कर्मचार नहीं करेंगे, यानी संसार कैसे बढ़ता है वो कर्म आप चार्ट नहीं करेंगे। तो ये एंगल से कहा है, मगर चार्ट करना है ना करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि उनका कुछ प्रेजेंटेशन का एंगल कुछ अलग होता है, तो उन्होंने ये कहने की कोशिश किया कि अगर विज्ञान समझ में आ गया तो संसार के लायक और सहायक कर्मचार नहीं करेंगे, मगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक तो जाग करना पड़ेगा। मगर जहां तक विज्ञान समझ में नहीं आएगा वहां तक संसार के लायक और सहायक कार्य होंगे ही और ऑप्शन नहीं है, तो सिद्धांत की बात है। यस, कर्मो छे भाव थी बंधाय छे, एमा बे प्रश्नो छे के इलेक्ट्रिकल बॉडी थी परमाणु खेचाय छे के परमाणु साना आधारे चार्जिंग थाय छे। इलेक्ट्रिकल बॉडी से कर्म बंद होता है या तो कैसे होता है? परमाणु साना आधारे चार्ज थाय छे। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल बॉडी है वो परमाणु चार्ज करने के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिकल बॉडी है ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए? मेंटेन करने के लिए, ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग फोर्स, ये सब बॉडी को वार्म रखते हैं, इलेक्ट्रिकल बॉडी, तो वो एक्टिव कहते हैं। जितना जितना पार्ट इलेक्ट्रिकल बॉडी से हट जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव। ओके, तो कहने का मतलब ये है वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, कर्मचार्ज करने के लिए, कर्मचार्ज करने के लिए तो अज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? और फिर अज्ञान के अंदर तीव्रता जैसी होगी वैसा चार्ज होगा। वो इलेक्ट्रिकल बॉडी नहीं है, वो आपका इंटेंशन है। वो परमाणु है वो कैसे चार्ज होता है, वो जैसे किसकी वजह से? वो आपका अज्ञान है वो तो बराबर है, वो आपका जैसे आपका भाव होगा तो शुद्ध परमाणु से बना हुआ ये स्पेस है, जैसे भाव होगा तो वो परमाणु सत होता है। किससे सत होता है? आपके भाव से खींचता है। किसके आधार से? उसके लिए बिजली तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। नहीं, वो तो गति सहायक तत्व है ना। वो काम कैसे किया वो गति सहायक तत्व? वो आपके भाव से, आपने तो खींचा, वो तो जड़ है परमाणु तो। तो जड़ ही जड़ को खींचता है ना, चेतन को तो खींचने की जरूरत ही नहीं है। भाव तो जड़ नहीं है ना, वो तो अज्ञानता है। भाव मिश्र चेतन है। मिश्र चेतन क्या है? मिश्र भी नहीं, तो जड़ कहोगे तो भाव नहीं होंगे, तो मिश्र चेतन है। चेतन की हाजिरी और जड़ के भाव वो मिश्र चेतन हो गया। क्या हो गया? मिश्र चेतन। तो वो भाव से वो परमाणु सक होते हैं और सक के बाद कोट होते हैं और कोट के बाद आत्मा की हाजिरी से पावर होता है, तो कर्म चार्ज हो गया। आत्मा की पावर से, आत्मा की हाजिरी के बिना कर्म चार्ज नहीं होगा। वो मिश्र चेतन में वो कैसा पावर होता है? मिश्र चेतन में मिश्र है, जड़ और चेतन का कंबाइंड पावर है वो जड़ का, मतलब इसलिए उसको मिश्र चेतन बताया। क्या बताया? मिश्र चेतन। शरीर को जड़ बताया, मैकेनिकल चेतन, और प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है इसको मिश्र चेतन बताया। अगर जड़ होता तो उसको मैकेनिकल बोलते, मगर वो जड़ नहीं है और चेतन भी नहीं है, मगर जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है, जड़ का परमाणु और चेतन की हाजिरी से बना हुआ भाव, वो चार्ज हो गया कर्म। क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं हुआ है, चेतन की हाजिरी से चार्ज हुआ है, चेतन के पावर से चार्ज हुआ है। मतलब चेतन का पावर? हाँ, आत्मा का ही पावर, तो और किसका पावर? तो वो तो सिर्फ ज्ञान प्रकाश है ना, मगर वो जड़ को कैसे खींच सकता है? हाँ, वो ज्ञान प्रकाश जो है वो ज्ञान प्रकाश कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, और वो कभी कंज्यूम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंज्यूम नहीं, इसीलिए कहते हैं इसको अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख वाला कहते हैं ना। तो ये एक मिनट, तो ये बॉडी जो है ये आप सोचो पहले कि आत्मा की शक्ति कैसे काम करती है। इसका मैं एक एग्जांपल दूं ताकि लोगों को बाद में कुछ सोचने का, समझने का या तो स्वीकार करने का मौका मिले। जैसे
आम इंसान जो पूरा दिन जीवन जीता है तो कुछ खाने की चीज पसंद आती है तो उसको आनंद आता है, ठीक है, कुछ सुनता है अच्छा गाना तो भी उसको आनंद आता है, कुछ चीज अच्छी देखते हैं तो भी उसको आनंद आता है, कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं तो भी आनंद आता है, कोई अच्छी व्यक्ति मिलती है तो भी उसको आनंद आता है, कोई काम के टेंशन से बाहर निकल जाते हैं घर से तो भी उसको रिलैक्सेशन महसूस होता है, आप समझे, यानी कोई प्रकार का ऐसा संजोग चाहिए उसको जिससे वो रिलैक्सेशन महसूस कर सके, जिसको हम आनंद ही बोल सकते हैं। घर से कंटाल गए 6 महीने से नौकरी करके, वाइफ घर का काम करके कंटाल गए, ये नौकरी धंधा करके कंटाल गए, दोनों जाते हैं हिल स्टेशन पर रिलैक्स होने के लिए, ठीक है, तभी उसको रिलैक्सेशन महसूस होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की अवस्था और संजोग से महसूस होता है, मगर हर व्यक्ति का कॉमन एक्सपीरियंस क्या है, कोई भी व्यक्ति चाहे टेंशन में है, चाहे सुखी है, चाहे दुखी है, चाहे फिजिकली या सामाजिक संजोग उसके अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी है, हर प्रकार की परिस्थिति के भुगतान अलग अलग व्यक्तियों को होती है, मगर जब वो रात को सो जाते हैं और सुबह उठते हैं बिना कुछ एफर्ट वो फ्रेश हो जाते हैं, वाई जीवन दिन के समय उसको एफर्ट करना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, अवलंबन लेना पड़ता है, रात को बिना अवलंबन फ्रेश हो जाता है, और वो कॉमन एक्सपीरियंस है सबके लिए, वाई वो परमाणुओं का ज्यादा वो फोर्स नहीं होता उस वक्त। सपना तो कैसे कैसे आता है मालूम है आपको? हाँ क्या ना वो बराबर, तो उतना भी फोर्स नहीं होता कि उसको चाहिए नहीं चाहिए, नहीं। मैं सोच सके कि मेरे को अच्छा लगा नहीं लगा, वो बराबर है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइव ईगो है वो इनएक्टिव है, क्या है वही, और इसीलिए आत्मा स्वाभाविक काम करता है उनकी शक्ति का, तो अपने आप फ्रेश हो जाता है, क्या हो जाता है, विदाउट एनी एफर्ट, क्योंकि उनका स्वभाव ही अनंत सुख वाला है, तो आप कोई भी प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपको इसका अनुभव होता ही है, इसमें एफर्ट की जरूरत नहीं है, एफर्ट की जरूरत किसको है, मान्यता वाला सुख का अनुभव करना है, तो बाकी स्वाभाविक सुख तो है, और जब आप स्वभाव में आ जाएंगे यानी आपका लाइव ईगो इनएक्टिव हो जाएगा तो आप स्वभाव में हैं, तो स्वभाव में फ्रेश होना बट नेचर हो गया, क्या हो गया, रिएक्ट हो गए, आप समझे ना, शारीरिक कहो या मानसिक कहो अपने आप रिलैक्स हो गए बिना कुछ किए, और ये कॉमन एक्सपीरियंस है क्योंकि आत्मा सब में एक ही है, तो अनुभव तो एक ही रहेगा, पजल अलग अलग होंगे मगर आत्मा तो एक ही है, आत्मा का पावर भी एक है तो अनुभव भी एक ही है, मगर लोग क्या कहेंगे, मेरे को बहुत टेंशन था मगर रात को सो गए सुबह फ्रेश हो गए, कोई कहेंगे मेरे को ये बिजनेस का या नौकरी का ये प्रॉब्लम था रात को सो गए फ्रेश हो गए, मेरे को परिवार का प्रॉब्लम था हस्बैंड वाइफ का रात को सो गए फ्रेश हो गए, तो फ्रेश होना वो कॉमन बात है, पजल भले अलग होते हैं पर रिजल्ट सबका एक ही है, क्योंकि उनका स्वभाव एक है ना, क्योंकि एफर्ट नहीं किया, क्या नहीं किया, एफर्ट नहीं किया, अपने आप हुआ, आपका जो भी पजल था आपका जो भी सफरिंग था वो डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया, क्योंकि ईगो के साथ आपका सफरिंग जुड़ा था, वो भी ईगो नहीं रहा रात के समय, तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो आत्मा का प्रकाश तो 24 आवर्स है, वो तो डिस्कनेक्ट नहीं होता है, तो वो जड़ को कैसे खींच सकता है, खींचता नहीं है, जड़ को खींचता नहीं है, उनकी हाजिरी से जड़ का अनुभव होता है प्रतिष्ठा, वो परमाणु कैसे चार्ज होता है, वो आत्मा की हाजिरी से, हाजिरी है बराबर है, भाव से जड़ है, भाव से होता है, भाव तो वो फिजिकल नहीं है, नहीं वो जड़ नहीं है, नहीं है, तो वो जड़ को कैसे अपने हिसाब से कैटल कर सकता है, जड़ ही जड़ को खींचता है, आत्मा का पावर इसको चार्ज करता है तभी कर्म होता है, वो चार्ज आया वो समझ में नहीं आया, वो आत्मा तो चेतन है वो जड़ को कैसे चार्ज कर सकता है, जड़ जो भाव किया इसीलिए चार्ज होता है, भाव नहीं है वो तो इनके प्रेजेंस है, जैसे सूर्य नारायण है ठीक है, और हमने सोलार रखा तो क्या हुआ, वो तो थोड़ा भी फिजिकल है वो समझ सकते नहीं है। नहीं मगर सूर्य नारायण ने चार्ज किया ऐसा बोल सकते हैं नहीं, क्यों तो उसमें से तो प्रकाश तो अगर वो नहीं है तो हो सकता है नहीं, वो है वो नहीं है तो हो भी नहीं सकता है, और वो है तो उन्होंने चार्ज भी नहीं किया है, सूर्य नारायण भी फिजिकल है उसका प्रकाश भी फिजिकल है, तो इसीलिए यहाँ ये
स्वर्णायन नॉन फिजिकल, आत्मा नॉन फिजिकल है, उसका प्रकार दृष्टि आत्मा है वो भी नॉन फिजिकल है, तो वो फिजिकल को कैसे चार्ज कर सकता है? इसीलिए परमाणु है ना, वो परमाणु फिजिकल है। हाँ, तो उसको चार्ज कैसे किया? इसके भाव से चार्ज किया। वो भाव तो नॉन फिजिकल है, फिर भी वो, फिर भी कैसे वो चार्ज होता है? भाव से ही तो चार्ज होता है, भाव भी तो पावर है। बिलीफ क्या है? बिलीफ कुछ नहीं है, नॉन फिजिकल है। इफेक्टिव है क्या? इफेक्टिव है बस। साथ पे तो फिजिकल तो नहीं है, तो वो भी बिलीफ है, वो भी परमाणु के वजह से, मतलब परमाणु का इफेक्ट है ना। बिलीफ आपकी मान्यता है। मान्यता है, बराबर है, ठीक है। तो ये जो दुनिया चलती है वो रिलेटिव सत्य से चलती है। मैंने पहले भी कहा यूनिवर्स सनातन सत्य से नहीं चलती है। वो समझ में आ गया तो फिर पजल ही नहीं है ना। ये रिलेटिव सत्य के आधार से जब दुनिया हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तभी चार्ज होता है। जब यही दुनिया को हम सनातन सत्य देखते हैं तो चार्ज नहीं होता है। तो आखिर बात कहाँ गई सनातन सत्य और रिलेटिव सत्य में? बिलीफ, रिलेटिव सत्य ही बिलीफ है, बराबर है कि नहीं? और जब बिलीफ नहीं तो चार्जिंग भी नहीं है, बराबर है। जब बात कहाँ गई फिर बिलीफ पे आ गई, तो वही बिलीफ का पावर है। आज पूरी दुनिया चलती है, क्या है वो? तो बिलीफ है, तो फिर तो मैंने बिलीफ का पावर कितना है? ये लौकिक दुनिया में बिलीफ का पावर कितना है? ये मेरा देश है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे पति पत्नी है, ये बिलीफ तो है। इसका पावर कितना है? उसके लिए हम जान गवा देते हैं, आप समझे? तो ये बिलीफ का तो पावर है, आत्मा का पावर थोड़ी है। आत्मा की हाजिरी में पावर किसका है? बिलीफ का है। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद। नहीं एक मिनट, हम लोग लाइन में करा स्वामी जी, आना कनेक्शन में पूछ लो। ये जो पूछता था एरा कनेक्शन में कि मैग्नेट छे अने टाकणियों छे, तो मैग्नेट टाकणियों खेचे छे अने वाक फिजिकल छे आपने देखाय छे, એટલે સ્થૂળ સ્થૂળ ને ખેંચી શકે। હવે અહીંયા જે મિશ્ર ચેતન છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે એનો અનુભવ છે પણ અસ્તિત્વ નથી, એટલે ફિઝિકલ ભાગ તો જ નથી, એટલે જે અરૂપી હોય અમૂર્ત હોય એ કઈ રીતે રૂપી ને ખેંચી શકે? પ્રશ્ન ત્યાં છે। કારણ કે એક જગ્યાથી વસ્તુ મૂવ કરે છે, તમે કહો છો કે પરમાણુ સખત થાય એટલે એક જગ્યા છોડીને બીજી જગ્યા જાય છે, તો આ જવા પાછળનું જેમ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ ચાર્જિસ હોય ફિઝિકલ સાયન્સમાં, એવી રીતે અહીંયા ખાલી બિલીફ માત્રથી પેલું પોતાનું સ્થાન શું કામ છોડી દે એમ? ક્યોકિ સિમ્પલ બાત યે હૈ કે યે દુનિયા કે હર રિલેટિવ સત્ય ઓર આત્મા કા સનાતન સત્ય, યે પ્લસ હૈ યે માઇનસ હૈ, ક્યા હૈ? ઓર જો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હૈ वो प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, क्या नहीं है? वो सिर्फ बिलीफ है, और बिलीफ के आधार से वो प्लस माइनस अपनी बिलीफ से समझते हैं। वो फैक्ट नहीं है मगर बिलीफ है, क्या है? और वो ही बिलीफ उसको काम करती है चार्जिंग में, आप समझे? वो माइनस को ही प्लस कहते हैं, वो दुख को ही सुख कहते हैं, सफरिंग को ही सुख कहते हैं, ये सब फैक्ट है मगर उसकी तो मान्यता है ना। तो जहां तक वो माइनस को ही प्लस कहेंगे उसी को कर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? जब माइनस को माइनस कहेंगे, प्लस को प्लस कहेंगे, तो कोई चार्जिंग ही नहीं है। दोनों अपने क्या है, स्वभाव में। माइनस का मतलब होता है प्राप्त नहीं करने की चीज, प्लस का मतलब होता है वो खुद ही है। मगर जब ये प्लस माइनस दोनों जुड़ जाते हैं दे क्रिएट पजल, और इसीलिए दादा भगवान ने कहा सामीप्य भाव के लिए भ्रांति उत्पन्न होती है। प्रकृति का एक भी स्वभाव मेरे में नहीं है, मेरा एक भी स्वभाव प्रकृति के नियंत्रण नहीं है, दोनों का स्वभाव अलग ही है, मगर सामीप्य भाव से भ्रांति हो जाती है, और इसीलिए फिर क्या होता है, बंधन होता है। अगर सामीप्य भाव से जो भ्रांति होती है वो ज्ञानी पुरुष के विज्ञान के उपयोग से नाश कर दूंगे तो फिर कर्म चार्ज नहीं होगा, मगर विज्ञान का उपयोग नहीं करूंगे तो चार्ज होना ही है, क्योंकि माइनस एंड प्लस। माइनस का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, रिलेटिव सत्य का पाप पुण्य आप गिन सकते हो मगर वो माइनस ही है, और ये प्लस का मतलब होता है शाश्वत सत्य जिसमें कभी माइनस नहीं होता है, आप समझे ना? यस, आप जो कह रहे हो ठीक है समझ की दृष्टि से, लेकिन यहाँ जो फिजिकल परिवर्तन हो रहा है, एक परमाणु अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है,
तो जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो कुछ ना कुछ लॉ तो होना चाहिए ना, ग्रेविटेशन का होना चाहिए, कुछ तो लॉ होना चाहिए ना कि अपना परमाणु अपना स्थान छोड़ दे। सिर्फ बिलीफ मात्र में, बिलीफ में कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स है, क्या है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, वही तो कुदरत का कानून है। तुमको यहाँ से उठा के अमेरिका कौन ले जाता है, कौन ले जाता है? कुदरत कानून ही तो है। आपके पास जाने न जाने की फ्रीडम कहाँ है? अगर आपका कर्म है तो बाकी के जो पांच तत्व है, जड़ तत्व, गति सहायक, क्षति सहायक, टाइम एंड स्पेस, उसका रोल हो जाता है। भाव में पावर्स है, बाकी तो ये क्या है, ऑन ड्यूटी है। तो ड्यूटी के मुताबिक जो काम होता है आप नहीं करते हैं, आपने तो भाव किया, और भाव का पावर क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा की शक्ति है। ये पूरे ब्रह्मांड में आत्मा ही सुपर पावर है। तो आत्मा एक मिनट, तो आत्मा की हाजिरी से जो चार्ज हुआ, इनको कुदरत को इसको रिजल्ट देना पड़ता है, क्योंकि कुदरत जड़ है और मैकेनिकल है और आत्मा चेतन है, और ये जो भाव बना वो मिश्र चेतन है। तो इसीलिए कुदरत को रिजल्ट देना पड़ता है ऑन ड्यूटी। उसमें कोई वो मैं आपको हेल्प करता हूँ ऐसा नहीं है। वो मैकेनिकल ड्यूटी है, क्या है तो देना ही पड़ता है आपको। और फिर जब रिजल्ट मिलता है तो हम इसको फिर अज्ञानता से फिर उसको सुख दुख मानते हैं, तो फिर लाज बेस करते हैं, फिर चार्ज होता है। तो ये प्रोसेस होती है, क्या होती है, प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाती है। और इसीलिए कहा कि आप ये दुनिया का जब सनातन सत्य जानोगे तो प्रोसेस नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होगी तो चार्ज भी नहीं होगा। आत्मा भी अपनी जगह पे है और प्रकृति भी अपनी जगह पे है और कुदरत भी अपनी जगह पे है, मगर साइंस जानना तो दोनों के साथ जो सामीप्य भाव था वो क्या हो गया, उड़ गया, उड़ गया। बस वही तो है, और वही निकालना है, किसी को निकालना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, हमको छूटना शरीर से नहीं है, हमको छूटना संबंधों से नहीं है, हमको छूटना संपत्ति से नहीं है, हमको छूटना साधनों से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो समय पे मिला है, और समय होने पर जो अपने आप जाने वाला है, इसको इससे छूटने की जरूरत नहीं है। मगर हमको छूटना किससे? अज्ञान से। तो वो इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे तो कुदरत हमको छुड़वाएगी ये सत्ता संपत्ति संबंध, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। तो ये उससे छोड़ना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अज्ञान। ये मिला क्यों? अज्ञान से मिला, तो मिटाना क्या है हमको? अज्ञान। अज्ञान मिट जाएगा तो कर्म ही नहीं बनेगा, और कर्म नहीं बनेगा तो कुदरत संजोग भी नहीं देगी। कुदरत का मर्जी नहीं है कि मेरे को आपको सुख दुख देना है, और सुख दुख तो हमारी परिभाषा है। कुदरत कहते हैं मैं तो कॉज का इफेक्ट देता हूँ, इसको आप सुख भी मानो दुख भी मानो। वो क्या कहते हैं टीचर भी, मैंने तो 150 विद्यार्थी थे और सबने एग्जाम दिया, तो मैंने क्या किया, रिजल्ट दिया। उसमें किसी का फर्स्ट नंबर था, किसी का लास्ट नंबर था, मगर वो मेरी चॉइस नहीं है। एग्जाम का क्या है, रिजल्ट। तो रिजल्ट में फिर आप रिजल्ट लेने वाला राज बेस करें, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो चॉइस है नहीं, मैंने तो रिजल्ट दिया है। फिर रिजल्ट को आप राज बेस देखो वो अलग बात है, वो आपकी दृष्टि है। मैंने राज बेस नहीं किए, मैंने तो एग्जाम का रिजल्ट दिया है। तो ऐसे कुदरत भी क्या करती है, राज बेस नहीं करती है, वो रिजल्ट देती है। रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, लाइक एंड फिर नया राज बेस से कर्म बनते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा का भले अस्तित्व नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें इतनी शक्ति की पूरा संसार खड़ा है। आप समझे, और आप तो क्या समझे, प्रतिष्ठित आत्मा की बात तो छोड़ दो, वो तो दिखता नहीं है मानो के, मगर ये शरीर दिखता है। तो कुदरत कहते ये भी मेरा है, ये समझने के लिए लाखों अवतार चाहिए। छोटी बात नहीं है। तो ये समझने, तो ये कहने का मतलब ये नहीं है हम ये समझने के लिए कितने अवतार चाहिए, नहीं है फिर भी, क्योंकि जो बिलीफ है ना इतनी गाढ़ हो चुकी है। बिलीफ से अलग होना इट इज नॉट अ इजी। अगर शरीर से अलग होना तो इजी है, बिलीफ से अलग होना इजी नहीं है साहब। आप समझे, ये धीरे धीरे समझ में आ गया बिलीफ का मतलब क्या है। बिलीफ ही तो संसार है, ये शरीर संसार नहीं है, ये दिखता है वो संसार नहीं है, बिलीफ संसार है, और बिलीफ ही अज्ञान है। और इसीलिए हमने पहले से जो वेट दिया है वही कि बिलीफ को खत्म करो, चाहे रॉन्ग है या राइट है, मगर दोनों बिलीफ है, और बिलीफ को खत्म करना। और बिलीफ को खत्म करने के लिए उनका अस्तित्व क्या है, क्यों है, रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य को खत्म करोगे तो बिलीफ खत्म होगी, मगर रिलेटिव सत्य खत्म कैसे होगा, सनातन सत्य से। तो इसीलिए पूरी प्रोसेस बताया, क्या बताया,
आज देखो आज तक कहीं साधु संतों सन्यासियों ने ज्ञानियों ने बताया कि शरीर है नाशवंत है, मशीन भी बताया, जड़ भी बताया, सब कुछ बताया, मगर एक्सप्लेन नहीं किया जो थिंकर लोगों को समझ में आए, इस फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं किया। तो आंसर तो करेक्ट था मगर एक्सप्लेनेशन नहीं होने से थिंकर पीपल वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, सुन तो सके, रिस्पेक्ट भी देते हैं, मगर इसमें पावर नहीं आएगा क्योंकि क्या है, ये बात सही है ऐसा लगता है, नहीं है मगर स्वीकारते हैं एज अ रिस्पेक्ट कि बड़े लोगों ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, आगे जाके समझ में आएगा, ऐसा करके हम की पेंडिंग रखते हैं मगर इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए वही बातों को मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों मशीन है, बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरा कंट्रोल कुदरत का है, इसीलिए वो कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाता है और एंड भी, और इसीलिए मैंने मशीन कहा। तो मशीन को मैंने एक्सप्लेन किया है, बात नई नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन नया है, आप समझे ना, और प्रेजेंटेशन की तो कीमत है, तभी तो अनुभवी बोलते हैं। अनुभवी का मतलब ही क्या है कि वो इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप वही बात को आसानी से समझ सकते हैं। ये दुनिया में कोई नई बात तो होती ही नहीं है, नई कहां से लाएंगे, शब्द भी नहीं हो, नया नहीं होगा, प्रेजेंटेशन। और यही बात है, आज तक लोगों ने ज्ञान और अज्ञान की बात कहा, मैंने विज्ञान की कहा, तो क्या चेंज हो गया, प्रेजेंटेशन। साइंस तो पहले भी था ना, लेकिन नया साइंस थोड़ी है, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। जो आज लोग ज्ञान अज्ञान को रिलेटिव सत्य के फॉर्म में जानते थे, फॉर्मेट के फॉर्म में जानते थे कि मैं जो धर्म को फॉलो करता हूँ वो मेरा ज्ञान है और बाकी लोग जो नहीं फॉलो करते वो उसका अज्ञान है, वो हमने डिविजन बना रखा था, यही रखा था ना हमने। और आज हम महात्मा होने के बाद क्या कहेंगे, तो दादा भगवान का ज्ञान लिया तो आप ज्ञानी है, नहीं लिया तो आप अज्ञानी है, डिविजन बना दिया, आप बना दिया ना, तो ये फॉर्मेट हो गया, व्हेन यू कंपेयर तो वो फॉर्मेट हो गया। तो ज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान संबंधा वो ज्ञान था, तो इसीलिए मैंने चेंज किया कि ज्ञान अज्ञान रिलेटिव सत्य कर दो और विज्ञान का मतलब लॉ ऑफ नेचर, तो फिर उसमें डिविजन नहीं होगा। तो ये प्रेजेंटेशन है, ये बात नहीं नहीं है, प्रेजेंटेशन नया है। क्या है, बात तो पहले भी वही थी। आज कहते ना जो केवल ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्या वो नई चीज है, वो तो है तभी तो ओपन कर सकते हैं, मगर उनके विजन में ओपन हुई वो नई बात है, वो तो थी तभी तो खुली हुई। आज केवल ज्ञानी पूरे ब्रह्मांड को देख सकते क्योंकि था, इसीलिए ना हम नहीं देख सकते कि हमारे पास दृष्टि नहीं है, मगर उन्होंने देख के बताया वो नई बात नहीं है, हमने नहीं देखी और नहीं देखी नहीं तो हमको पास वो ज्ञान भी नहीं था, उन्होंने देख के हमको बताया, मगर वो तो थी उसी को बताया। आज भगवान महावीर ने जो 44,000 के जो उत्तर दिए हैं वो केवल ज्ञान में देख के दिए, बराबर है, मगर जो है उसका उत्तर दिया है कि भी कितने क्षेत्र है, कितना योग है, यारा कितना है, ये सब कुछ था वो बताया, मगर उसका विजन अनकवर हो गया, मगर जो नहीं होता है वो कैसे बताएंगे। और स्वामी जी दूसरा प्रश्न है कि हम जो छह तत्व की आप बात कर रहे हैं कि छह तत्व में से आत्मा चेतन तत्व है और बाकी सारे जड़ तत्व है, वो गति सहायक, लेकिन जड़ तत्व में जो पुद्गल तत्व जो परमाणु का बना हुआ है और वो रूपी तत्व है, बाकी सारे अरूपी है, तो वो सारे अनंत है, जैसे आत्मा अनंत है वैसे भी ये छह तत्व अनंत ही होते हैं, परमाणु भी अनंत होते हैं, सब आत्मा भी अनंत है, जड़ तत्व भी अनंत है और बाकी जो सब तत्व है वो जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है, लेकिन वो अनंत ही हो गए ना, क्वालिटी के आधार से, क्वांटिटी के आधार से नहीं है। जैसे तो आत्मा तो क्वांटिटी है, इतने आधार से अनंत है ना, आत्मा की क्वांटिटी बोल सकते हैं, नेचर वाइज क्वालिटी है, एग्जिस्टेंस वाइज क्वांटिटी है, और परमाणु भी अनंत ही है ना, परमाणु भी अनंत है, बाकी चार तत्व क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी वाइज, बस यही समझना, क्वालिटी वाइज यानी थोड़ा और क्वालिटी वाइज मतलब ये जड़, जैसे जैसे गति सहायक बोलेंगे तो गति सहायक तत्व हर व्यक्ति को गति देना देता है, ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये जो गति सहायक तत्व होता है वो क्वालिटी वाचक है, यानी है और वो रोल होता है इसका, क्या होता है, हर जीवों के साथ जुड़ा हुआ रोल है। तो ये बात आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर है ये गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व है, वो सबका रोल है। ये बॉडी जो है
वो कुदरती कानून से चलती है, आपकी मर्जी से नहीं चलती है। तो कुदरती कानून क्या करता है कि आपके कॉज की इफेक्ट देता है, तो आपको कब बैठना है, कब नहीं बैठना है, कब चलना है, आप समझे ना। ये सब कौन से कितने समय के लिए आपको भुगतान होगी, अच्छी या बुरी, ये सब डिसाइडेड कुदरत करेगा एज पर योर कॉज। अभी तो ये मशीन अपने आप सफर होता है, क्या होता है, सफर प्रतिष्ठित आत्मा को कुदरत नहीं चला सकती है, वो आपका एग्जिस्टेंस है, भले वो डिस्चार्ज है, मगर जो शरीर है वो कुदरत का है, कुदरत का बनाया हुआ है, तो कुदरत उसका कंट्रोलर है और उसके माध्यम से आपको भुगतान मिलती है, मगर भुगतान करने वाला कौन है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। देवलोक में भी मिलता है बॉडी, देव का भुगतान कौन करता है, देव करता है नहीं, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। नरक में भुगतान कौन करता है, बॉडी नहीं, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, क्योंकि चार्ज उन्होंने किया तो भुगतान वही करेगा, मगर थ्रू दिस एविडेंस, ये बॉडी भी एविडेंस है और बाहर के भी सब एविडेंस है, तो ये समझना है, ये सब कुदरत का है। और इसीलिए कहा है ना, कुदरत की माया जाल है, किसी कोई भगवान के कहते हैं, कोई कुदरत के कहेंगे, तो ये कुदरत की माया जाल है, उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है, क्या नहीं है, फैक्ट नहीं है, सब फ्रिक्शन है, सब इल्यूजन है, नहीं है फिर भी दिखता है, और जो है वो दिखता नहीं है। आप बोल रहे हैं कि अनंत ज्ञान वाला हो तो वो क्वालिटी वाइज है, क्वांटिटी वाइज नहीं, आत्मा जो आत्मा का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव अनंत ज्ञान है उनमें, और अनंत क्वालिटी सभी आत्मा में एक ही है, हाँ एक ही है, मगर एग्जिस्टेंस वाइज अलग अलग अलग, अस्तित्व सबका अलग। हाँ, जैसे मैं अभी अपने हिसाब से समझू तो कि अनंत ज्ञान वाला है तो अज्ञानता के बस जितने जितने भाव किए वो जो बाहर आते तो उसको पहचानने में वो अनंत ज्ञान वाला है, जो भी जैसे कोई भाव किया है, अनंत गिनित भाव किया होगे तो वो अनंत गिनित भाव को वो जानने वाला आत्मा को जो मूल स्वभाव है अनंत ज्ञान, वो उससे उस हिसाब से जान सकता है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान अनंत ज्ञान है, लेकिन वो अनंत जो परमाणु हमने चार्ज किए है तो डिस्चार्ज होते हैं तो अनंत ज्ञान में वो दिखता है, उस हिसाब से उसको अनंत ज्ञान वाला बोला जाता है। आत्मा में विनाशी अवस्थाओं का देखने जानने रिकॉर्डिंग में गलती होगी और फिर मैं स्टैंप लगा दूंगा, फिर अल्लाह की कोणी चलता ही रहेगा, आप समझे, एक गलती हो जाएगी स्पीच में फिर रिकॉर्ड हो जाएगा फिर चलता ही रहेगा। अरे वो क्वालिटी उसको ही क्वालिटी बोला जाता है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठात्मा, इसको इसको ले लूंगा हिम्मत करी, हिम्मत करी आगल अधवा धारे पण मोहनीय ना कारण थी रूपांतर रूपांतर समझाए वो ते ग्रंथि भेद करे छे एम समझे छे अने उल्टू समझवारू चोरना कारण थी मोह काम सॉरी मोहना कारण थी ग्रंथि नु निबिड पण करे छे निबिड એટલે ગાઢ તો બરાબર है वो तो बड़ा मीनिंग શું થાય કારણ કે જો એને સમજાઈ ગયું ખબર પડી જ ગઈ છે કે હું શુદ્ધ આત્મા છું અને એ તો બધા જ બોલતા હોય, છતાં પણ એવું સમજી અને પછી એ પોતે પુરુષાર્થ કરવા આગળ વધે છે ત્યારે એની અંદર જે ઉત્પન્ન થતું જે અક્ષરક્ષમ જ્ઞાન છે, કારણ કે એના માધ્યમથી એનામાં જ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થાય જ છે, પણ એ જ્ઞાન કયું છે તો જેમ તમે કહ્યું કે જ્ઞાન બધું બુદ્ધિમાં જાય છે, એટલે બુદ્ધિમાં રહેલા જ્ઞાનથી એને પોતાને પાછું એવું લાગે છે કે હું બહુ સમજું છું અને બહુ સમજી અને પોતાને એવું માને છે કે હું સાચો પુરુષાર્થ કરું છું અને એના કારણે એનો મોહ વધી જાય છે અને એના કારણે ગ્રંથિ તોડવાને બદલે ગ્રંથિમાં વધારે મજબૂત થાય છે। વાત બરાબર હે, મગર ઇસમે ક્યા હોતા હે કે जो बात प्रिंसिपली सही नहीं है वो प्रोसेस के आधार से सही है, प्रिंसिपली सही नहीं है मगर प्रोसेस के आधार से सही है, मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ेगा पहले उसकी बिगिनिंग होगी मानव धर्म से, आत्मा तो अंदर वही का वही है मगर पहले ह्यूमैनिटी का रिलीजन आएगा मानव धर्म, जिसमें कोई पक्ष पंथ नहीं है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी वो कॉमन बात है, फिर उसके आगे आएगा तो धार्मिक धर्म आएगा जो एक फॉर्मेट रहेगा एक व्यू पॉइंट रहेगा,
तो इसमें क्या रहेगा, आपकी मान्यता रहेगी। और सभी प्रकार के धर्मों में जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, जिसको व्रत बोलेंगे या महाव्रत बोलेंगे, वो सब मानवता के बेस पर ही है। सत्य, अहिंसा, आचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो बताया है। और नरसिंह मेहता ने 11 महाव्रत हैं, महाव्रत है, वो भी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है, आप समझे ना। मगर धर्म में उसको डाल दिया गया ताकि पीपल दे आर अंडरस्टैंड एंड दे फॉलो, ठीक है। मगर ये मानव धर्म एक फॉर्मेट बन गया कि मेरे धर्म में ये है, तुम्हारे धर्म में है, तुम्हारे धर्म में, ऐसा अलग अलग फॉर्मेट बन गया। वो भी पास करना पड़ता है, पहले मानव धर्म, फिर धार्मिक धर्म, जिसमें किसी व्यक्तियों को भगवान मानना है। मानव धर्म में किसी को भगवान नहीं मानना है, धार्मिक धर्म में भगवान मानना है। उसके आगे जाएगा तो मालूम होगा कि मैं खुद ही भगवान हूं। तो ये स्टेप है, क्या है, प्रोसेस है, एक जीव को परिपक्व होने की एक प्रक्रिया है, उसमें उसको पास होना पड़ेगा। जितना फेल होगा इतना जन्म का चक्कर चालू रहेगा। जहां भी अगर मानव धर्म में भी वो पक्का होगा तो उसमें जन्म मरण ज्यादा होगा, फिर पास होगा तो कोई धर्मों को एक्सेप्ट करेगा, यानी इसमें भगवान की बिलीफ रखनी पड़ेगी। मानव धर्म में भगवान नहीं है, कई लोग नहीं कहते समाज में, मैं कोई धर्म को नहीं मानता हूं, मगर मानव धर्म को मानता हूं, तो ये उनका एक लेवल है। आगे जाके धार्मिक धर्म में एक सिंबल रखना पड़ता है, ये थोड़ा डेवलपमेंट है उसका। उसमें डर भी है भगवान का, उसमें प्रायश्चित भी है, सत्य भी मानना है, भले रिलेटिव सत्य है, मगर एक स्टेप है आगे बढ़ने का। फिर उसको मालूम होगा इतना सारा करने के बाद भी मैं जो कुछ पाना चाहता था वो तो नहीं पा सका, फिर उसको आध्यात्म में जाना पड़ता है। तो ये स्टेप है, ये पासिंग होने के लिए, पास होने के लिए एग्जाम्पल एग्जाम में से ये प्रोसेस जरूरी है। मगर कितने अवतार होंगे वो आपकी कितनी वीकनेस है उसके ऊपर डिपेंड है। कितना जल्दी ये सत्य को समझ जाते हैं, इतना आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं समझ सकते तो लाखों अवतार भी हो सकते हैं। उसमें कुदरत का कोई रोल नहीं है, कुदरत तो एग्जाम का क्या देगी, रिजल्ट देगी। आपकी कमजोरी है तो लाखों अवतार भी हो सकते हैं और कम अवतार में भी आप जा सकते हैं, मगर पास तो होना ही पड़ेगा। जब सत्य नु ज्ञान अथवा तीर्थंकर भगवान की वाणी के प्रकट ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की वाणी सांभळी अने जीव ग्रंथि भेदनी नजीक पण आवी गयो छे जी, एने ए तोड़वा माटेना बधा साधनो बधा जे पण पुरुषार्थ करवा माटेना अवलंबनो जोईए ए पण एने प्राप्त थई चुक्या छे जी जी। अने ए पोते सिन्सियरली अंदर थी निश्चय पण करीने बैठो छे के मारे आवुं करवुं छे जी, અને છતાં પણ એ વિમૂઢ થઈ જાય એની પાછળના શું રહસ્યો, કારણ કે એ ઘણીવાર જે રિયલ આત્મા, કારણ કે આપણે બોલીએ છીએ કે આત્મા, પણ એની દ્રષ્ટિ તો પાછી વ્યક્તિમાં જ જતી રહે, વહી વહી ગલતી હોતી હૈ ને। મેને કહા ને, મેને યહી તો કહા હૈ કે આપકો ફંડામેન્ટલ જ્ઞાન મિલ ગયા યા તો વિજ્ઞાન મે મિલ ગયા, ઇસકા ઉપયોગ બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ, યુઝ ઇન અ પ્રેક્ટિકલ એન્ડ ડે ટુ ડે લાઈફ। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको रियलाइज तो तभी करना है इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये तो आपको नॉलेज मिल गया या तो दृष्टि मिली, मगर दृष्टि परिपक्व कब होगी, जब आप पास होंगे तो फेल होंगे तो फिर वही कैरफुल होगा। तो ये पुरुषार्थ ना अवलंबन उधा मोड़े तो शू करे, तो वो भी तो उसका तकदीर है ना। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें देने वाले की तो गलती नहीं है। एवरीवन देयर ओन शॉप एंड ओन मटेरियल, आपको आना है दुकान में मेरे पास से ले जा, नहीं आना है तो जाए जाऊंगे। मैंने सुने नहीं जीनी नियति कहवाए एनो 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 जी भवितव्यता कहवाए, तो शुभ कहवाए भवितव्यता, उनका ही कॉज है, उनका ही कनेक्शन है, उनका ही गुणानुबंध है और ऐसा ही करेंगे, वो तो कंपलसरी उनके लिए ऑप्शन नहीं है। मगर उसमें से कोई पक्का होगा थोड़े समय के जाने के बाद आगे निकल जाएगा, बोला नहीं यहाँ है ठीक है, मगर हमको श्रीमद नु भी जीवन आपणे जोईए तो कि महावीर नी सभा मां अमे बैठा था ने एक लघु शंका करवा माटे अमारे 900 अवतार थई गया, समझ में नहीं आएगा। पण हवे आवो उन्होंने तो बोल दिया उनको समझ में नहीं आएगा, એટલે उनका के भी इतने में क्या इतनी गलती हो सकती है। वो तो ना एक्शन का नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति के भाग में मैंने फ्रीडम यूज कर लिया बस वो मेरा मिथ्यात्व है। अरे ये स्वच्छंद ने अगर मेरी प्रकृति उनकी आज्ञा के अधीन है, मतलब मैं उसको चलाने वाला नहीं हूं तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूं, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। तो इसमें भगवान की आज्ञा रहने की क्या जरूरत है, बस ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, वो ईगो कनेक्टेड विथ योर बॉडी,
इसको देहाध्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? That's it. ये ईगो कनेक्टेड विथ योर बॉडी, क्या जरूरत है पूछने की? तो कनेक्शन किसके साथ हुआ? और यही ईगो आत्मा के साथ जुड़ा है तो वो डेवलपमेंट रहता है, ये प्रकृति के साथ जुड़ गया। क्या हो गया? प्रमाद का मतलब यहाँ छूट गया। महावीर के साथ थे, दीक्षा भी लिया था, तो ज्ञान नहीं हो गया ऐसे तो कैसे बोल सकते? एमने पोते लगी जे के हूं प्रमत्त पण नदी ने हूं अप्रमत्त पण नदी, ये तो अत्यारे की दो कि हूं प्रमाद पण नदी समय के असमय प्रमाद ने अप्रमाद बनने दशा जे प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रियल आत्मा ने बनने दशा नहीं, એટલે જેને રિયલ આત્મા તરફ દ્રષ્ટિ હોય એને તો હવે પ્રમાદ ની પણ ચિંતા ના રહી કે પ્રમાદ હું નથી, એટલે જે દાદા એ કહ્યું, ઓર ઇસીલિયે ડગો દખલ નહીં જાણો, ઓર ઇસીલિયે હમને જો ધર્મ કે અંદર हर धर्मगुरु ने पुरुषार्थ शब्द अचीवमेंट के साथ जोड़ा है, और हमने क्या कहा? पुरुषार्थ इज डिमोलिशन ऑफ योर इग्नोरेंसी। ये दोनों का एंगल अलग है भैया, यहाँ प्राप्ति की बात ही नहीं है, और धर्म में पुरुषार्थ का मतलब प्राप्ति। ये देखो यहाँ एंगल, मैंने कहा ना यहाँ बात तो वही की वही है, एंगल चेंज हो रहा है। तो जहां प्राप्ति की बात थी तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कुछ पा सकता है पाता हूँ, इसीलिए मैंने कहा, मैंने सत्संग में भी कहा था शिविर के अंदर वही कि हम सब यहाँ आए हैं सत्संग में शिविर में, तो ना कुछ पाने के लिए आए ना कुछ खोने के लिए आए, तो लोगों को लगे फिर मैं आए क्यों यहाँ, तो पहले तो ये लगा क्या, तो मैंने कहा हम सब यहाँ कुछ ऊपर वाले या नीचे वाले, ना कुछ पाने के लिए आए ना कुछ खोने के लिए आए, हम सब अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए, तो यहाँ पाना खोने की बात ही नहीं, तो ये साइंस हो गया। मगर धर्म में जाओगे तो पाने के लिए आए, तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया। और इसीलिए जो महान पुरुष जो लगते हैं ना, ये उसने लिखा है ये निबिड़पणु, निबिड़पणु मतलब करता पड़ा है का ही अज्ञान आप पक्का करते हो, चाहे धर्म के माध्यम से कहो या व्यवहार के। पहला जो सहज पुरुष पाना है वो अज्ञान है, ચારિત્ર શુદ્ધ કરવા માટે એ જે પુરુષાર્થ માંડે છે એમાં કર્તાપણું એનું મજબૂત થઈ જાય છે, મારે ગ્રંથિ નિબિડ થઈ જાય છે, એટલે હજી દર્શન ની મજબૂતી થયા પહેલા ચારિત્ર ની શુદ્ધિ કરવા જાય ભગવાન ને બતાવ્યા, પણ મેરે તો સમજ બેરા છે એને, એક્સપ્લેનેશન કરને કી ગલતી નહીં થી, મગર મેં ડાયજેસ્ટ નહીં કરતા નહીં કર પાયા, ધેટ ઇઝ માય ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અનકેપેસિટી। भगवान ने कोई गोल 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 नहीं कही है, मगर मैं नहीं समझ सकूंगा तो भगवान क्या करेंगे, और आपने प्रश्न भी नहीं किया तो फिर क्या करेंगे। आज दादा भगवान को किसी ने पूछा नहीं कि दादा भगवान आप अक्रम विज्ञान की बात करते, आखिर विज्ञान क्या है वो तो बताओ, आपने तो रुचि से बता दिया, हम करते भी है, प्रश्न करने का नहीं है, प्रश्न आपका जो विज्ञान है जो आपने अनुभव किया है व्यवस्थित शक्ति के टाइटल्स हैं कितने अवतारों के बाद, वो विज्ञान हमको बताओ, मगर किसी ने पूछा नहीं तो वो क्या करेंगे फिर, इफ यू हैव नो रिक्वायरमेंट सप्लाई कैसे करेंगे। तो ये हो गया, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, और वो भी नहीं बोल सके क्योंकि उदय कर्म नहीं था, तो उसके पास फ्रीडम थी, वो सब्जेक्ट है ही नहीं, मेरे पास भी है वो सब्जेक्ट ही नहीं है, संजोग। तो ज्ञान होना अनुभव होना एक अलग बात है, और अनुभव प्रेजेंट करना वो भी अलग बात है, और दोनों के लिए अनुभव करना वो इंडिविजुअल बात हो सकती है, प्रेजेंट करना इंडिविजुअल नहीं है, इट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। या एक मिनट मैं चलो तेमाथी कोई कज जीव जोगानु जो प्राप्त है अकाम निद्रा करता अति बलवान थे ने ग्रंथि ने मोड़ी पाड़ी अथवा पूछी पाड़ी आगर वधी जाए छे। करेक्ट छे, क्योंकि कर्ता पद की भ्रांति, मन वचन काया से कुछ करना है, कुछ भी करना है, ये सब भ्रांति है, क्योंकि क्रिया एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अपना स्पिरिचुअल कुदरत कहती है कि क्रिया जड़ का स्वभाव है, चाहे स्थूल किया चाहे सूक्ष्म क्रिया, वो जड़ का स्वभाव है, ठीक है, चेतन का स्वभाव ही नहीं है। फिर भी आप कोई भी एंगल से, चाहे सामाजिक धार्मिक या आध्यात्मिक एंगल से, कोई भी क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे, बस वो आपकी अज्ञानता है। बोले अज्ञानता का लेवल अलग हो सकता है, मगर वो अज्ञानता ही है,
और इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने भी बताया कर्ता पद ही भ्रांति पद है और भोक्ता पद भी दोनों भ्रांति है। तो कर्ता भोक्ता पद भ्रांति है, फिर मैं कोई भी करने की बात करूंगा, मैं कहूंगा मेरे को महाविद्य क्षेत्र में जाना है, वो भी कर्ता पद है, सिमंदर स्वामी को मिलना है वो कर्ता पद है, आप समझे ना, भले लेवल कोई भी है मैं कर्ता पद फंडामेंटल तो मिस्टेक है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको व्यक्ति या क्षेत्र की भावना करने की प्रिंसिपल ही जरूरत नहीं है, मगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो नेचर भी ट्रांसफर भी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहती है कि मेरे को नर गति में जाना है, मगर क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ कर्म। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी कि महाविद्या क्षेत्र या तीर्थंकर को मिलना, अगर ये आपकी कर्म में क्वालिफिकेशन होगी तो कुदरत को तो देना ही पड़ेगा विदाउट डिमांड। तो ये यहाँ प्रिंसिपल की बात हुई और यहाँ पर्टिकुलर की बात हुई। अहियाँ जे लखे छे के अति बलवान थई, तो आध्यात्मिक मार्ग में बलवान पण कोने कहे छे? आध्यात्मिक मार्ग के अंदर किसको हम पावरफुल कहेंगे? क्षमता भाव एटले संभाव नहीं, बलवान नहीं, 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 नहीं। जिसको ये दुनिया में न कुछ पाना है न कुछ खोना है, ऐसा विजन हो गया और फिर जीवन पानी के प्रवाह की तरह बीतता है और मैं शाश्वत हूँ, तो फिर उसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, जीवन तो पानी प्रवाह की तरह एंड हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ही कुदरत है। मतलब वैराग्य में कही रहे वैराग्य से, वैराग्य तो बिगिनिंग है, वैराग्य से ऊपर होता है तब अनुभूति होती है, वैराग्य तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आप समझे ना, सेपरेशन की बिगिनिंग वहां से होती है। तो वैराग्य तो एक बेस बना है, उससे फिर आगे जाना है, फिर जब ज्ञान की अनुभूति होते तो ओनली सेपरेशन होता है। और सेपरेशन कैसा होता है, दोनों अपने स्वभाव में होता है, प्रकृति अपने स्वभाव में, वो अपने स्वभाव में रहेंगे। तो यहाँ कोई पुरुषार्थ करना न करना, समझना जानना उपयोग करना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। संभाव ना के भाई, संभाव तो बहुत लो लेवल है वो तो पुरुषार्थ में आता है, हम मित्र कहवाई, पण हम समता भाव एनी बिगिनिंग तो संभाव समता भाव वो हेल्पिंग फैक्टर है, उदासीनता वो हेल्पिंग फैक्टर है, हेल्पिंग। मगर आप बियॉन्ड जाओगे, देखो पुरुषार्थ शब्द जो जुड़ा हुआ है, पुरुषार्थ शब्द वो अल्टीमेट स्टेज से बहुत नीचे है। क्या बताया, अल्टीमेट स्टेज से बहुत नीचे है, मगर रिलेटिव स्टेज से बहुत ऊपर है, तो वो बराबर है। मगर जब सेपरेशन की बात आती है, तो इसीलिए हम जब ये शुद्धात्मा के प्रति जो प्रार्थना बुलाते हैं, इसमें लास्ट में क्या बुलाते हैं, भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप। तो भेद विज्ञान से तो बिगिनिंग है आध्यात्म मार्ग की, और अभेद वो पूर्णा होती है। तो ये इसीलिए ऐसा बताया गया है। तो फिर जब अभेद ही हो गए, तो फिर रिलेटिव है भी तो फर्क क्या होगा, क्योंकि मैं अपने आप में हो गया और प्रकृति तो अपने आप में है ही, बीच में जो प्रतिष्ठित आत्मा है इसका अस्तित्व निकल गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अज्ञान नहीं है, तो दोनों अपने स्वभाव में है, फिर प्रकृति क्या करती है, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, तो इसका एंड तो होने वाला है, उनकी लाइफ है, आपकी लाइफ नहीं है, तो आत्मा कहाँ जाएगा मुक्त में, यही तो कॉन्सेप्ट है। डूअरशिप एंड ओनरशिप, वही तो सबसे बड़ा अज्ञान है, और इसीलिए मैंने पुरुषार्थ को अज्ञान मिटाने की बात का अचीवमेंट नहीं बोला मैंने, आप समझे ना, यस પુરુષાર્થ ભી નહી સિર્ફ સ્વભાવ સ્વભાવ કરતા છે એનું કરતા પણ કારેક્ટર નીકળી ગયું સુધી એમાં થયો એટલે એમાં નીકળે નીકળને કે બાદ સ્વભાવ રહેગા પરમાત્મા આપ હરેક જીવ કે અંદર બિરાજમાન હૈ વૈસે મુજમે ભી બિરાજમાન હૈ आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश
मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मय आकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।